दिव्या, डरने की जरूरत नहीं, मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। बस बस मुझे मुझे तुमसे एक बात जाननी थी। उस दिन मेडिकल स्टोर पे रवि जो है तमिलनाडु का सबसे शातिर खिलाड़ी है। छोटे मोटे जुर्म करने वाले तो बहुत हैं। जब ये किसी जुर्म को अंजाम देता है, मजाल है कोई सबूत छोड़ जाए। भैया, जब सुअर को मारेंगे तो दर्द कमारे चीखेगा, उसे चुप कैसे कराएंगे? என்ன சார் சம்பவம் பண்ண போயிட்டு இருக்கோம் இங்க படிச்சாலே பாபே சுப் பேக் हाथ गंदे नहीं करने वाले थे ना, फिर वे खून की होली खेलने साथ आ गए। किसी का खून बहता देख कभी कभी सुकून मिलता है, उसकी मौत का तांडव देखना है। देखना जरा भाई, मुंबई में पहुंच गए। हाँ पहुंच गया होगा अब तक तो। क्यों गुन्ना, भैया ने मुंबई जाने को बोला था ना? लेके आओ उसे। hey, लाइट ऑफ कर। जा काम निपटा के आ जा। ना। चूहे का बच्चा, हाथ लग जाए ना तो उसकी टांगे तोड़ के रख दूंगी। घर की सारी नाली बंद कर दी है, रोज नए बिल बनाता है। ए, दरवाजा खोलो ना, आज बाहर आओगे कि नहीं? ओ भैया प्लीज, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। माँ अंदर जाके बैठ गए हैं, जैसे रेजिग्नेशन करवाया हो। इसे कोई दरवाजा खोले। तुझे रोज जल्दी उठकर तैयार होने के लिए नहीं कहती हूँ? तब भी भैंस की तरह सोई रहती है ना, बाद में टॉयलेट जाने के लिए रोती है। ए पोरस, जल्दी बाहर निकल। देखिए माँ, आपने पति देव से कही कि 2 BHK फ्लैट अटैच बाथरूम के साथ बुक करवा ले। हाँ, बोल दूंगी। ले आ गया तेरा भाई। इससे ही बोलना किससे इस टाइम पास। छी, चल बाजू हट जंगली। जा जा।
याद रख, तो एक दिन होने वाले सब इंस्पेक्टर से बात कर रही है। वारंट निकलवाऊंगा तेरा, 2 साल के लिए अंदर करवा दूंगा। ऐसे कई इंस्पेक्टर देखे हैं मैंने। चल भाग। माँ नाश्ता देना, भूख लगी। प्लेट ले, सांभर ले ले। ऐसा ही बनने का रुबाब क्यों चढ़ रहे हो? अभी तो सिर्फ एग्जाम दिया है, पहले पास हो जाओ, फिर ट्रेनिंग पर जाना है, उसके बाद पोस्टिंग होगी तुम्हारी। उसके बाद मुझे ये सारी धमकियाँ देना, ठीक है? और वैसे भी उसके बाद कौन सा तीर मार लोगे तुम? एक कांस्टेबल खाना पैक करवा के ला, एक कांस्टेबल कड़क चाय पिला दे। ऐसा निकम्मा ऐसा नहीं बनने वाला मैं। क्राइम ब्रांच ऐसा है, तुझे असली क्राइम की कहानी सुनाओ क्या? आंखें खोल के सुनना। बोलो। मान लो एक घर में एक खून होता है, अगर उस खून का चश्मदीद गवाह मैं हूँ तो मुझसे इंक्वायरी कैसे करोगी? समझ लो तुम ऐसा हो। ठीक है, क्या देखा तुमने वहाँ? सुनो सुनो सुनो, आपने वहाँ क्या देखा सर? बेटर, उस घर के अंदर 2 लाशें थी, एक मर चुकी थी और दूसरी लाश जिंदा थी। उस मरी हुई लाश ने उस जिंदा लाश को मार दिया था। भाई बाउंसर था। ठीक से सुनोगी तो समझोगी। सुनो, जो किसी का खून कर दे उसकी आत्मा मर चुकी होगी, वो तो जिंदा लाश ही हुआ ना। ठीक है, पर उसने मारा कैसे? अरे चाकू से मारा होगा, बेवकूफ, इतना भी दिमाग नहीं है ये पूछ के क्यों मारा उसे? पुलिस वाले की बीवी हो ना, ऐसा होगा ही। प्लीज कंटिन्यू, क्यों मारा होगा उसे? 2 वजह, या तो गुस्से में या भावनाओं में बहकर मारा, या फिर उसका कोई फायदा होगा इसलिए मारा। मर्डर तो मर्डर होता है ना बेटा। अरे माँ, तेरी मुझसे लड़ाई हो गई, गुस्से में आके तूने मुझे कस कर थप्पड़ लगा, मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने तुझे चाकू घोंप दिया। अरे माँ, मैं बस मर्डर का डेमो दे रहा था, तो मैंने भावनाओं में बहके गुस्से से बिना सोचे समझे खून कर दिया ना। दूसरी वजह में प्लान करके फायदा पाने के लिए खून किया जाता है, जिसमें मैं आपके हाथ बांध के आपके गर्दन पे चाकू रख के कसाई की तरह आपको हलाल कर दूंगा। कानून की नजर में तो कातिल कातिल ही होता है ना? ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है? पहले वाले खून पे गौर करो, उसमें थोड़ी इंसानियत थी, पर दूसरे वाले खून में खूनी में ना रहम था ना कोई अफसोस था। खुद को बचाने के लिए अगर खून करे तो उस खून को गुनाह नहीं माना जाता, पर जानबूझकर किया गया जुर्म बहुत बड़ा गुनाह होता है। ये फर्क है दोनों में। सिर्फ मुजरिम को ढूंढने के बजाय जुर्म के पीछे की वजह जानने की कोशिश करो, उसके बाद मुझ जैसा काबिल ऑफिसर बनने का ख्याल दिमाग में लेकर आएंगे। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, चल मुझे ड्रॉप कर दो। जा 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 के। ए पोरा, अरे पापा का टिफिन तो लेता जा, ला मुझे दो। चल चल। दिस मूवी डाउनलोड फ्रॉम desiremovies.center। जल्दी चलो ना। क्या कर रहे हो? क्यों ऐसा ही सर? क्राइम स्टोरी काफी मजेदार थी ना। तूने भी सुन ली क्या? पुलिस की नौकरी छोड़कर आप डायरेक्टर बन जाइए, क्यों राइट है आपका? फिल्म में तू ही हीरो बनना। जल्दी करो, चलो। क्या हो गया? जरा उतर। क्या हुआ? बाइक का टायर पंचर है। हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम। अरे मैंने क्या किया? कल रात तक तो ठीक थी। गलती की जो तुमने ड्रॉप करने के लिए कहा। द्वारका आओ बैठो। क्या मतलब? कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। देख नहीं रहे हो भाई, सामने ही है, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे, आओ चलो। ए फैजल, हाँ? इसे कॉलेज ड्रॉप कर देना। ए बैग। हेलो थलपति, अब बाइक पंक्चर हो गई है, पापा को टिफिन पहुंचाना है, तो आ जाएगा क्या? अरे मेरी भी हवा निकली हुई है। तो सुन, साउंड इफेक्ट्स के साथ मेरी माँ भी यही कहती है, एक ही लड़की को 26 बार लेटर कर देगा। डबल साइज आंटी, कॉलोनी का नाम क्या है? त्रिभुवन नगर। गलत है, सिर्फ 23 दफा लेटर दिया है। स्कूल में मैथ्स की पढ़ाई नहीं की क्या? मजनू की आवाज, गलती करके सुबह लड़ाता है तू। अरे उसकी जगह ऐश्वर्या और आलिया का मॉकटेल पी तो दिल मचल गया। मोहल्ले में लड़के लड़कियों पे लाइन मारते हैं तो बुड्ढो को इतनी मिर्ची क्यों लगती है यार? कॉलेज में वही लड़के लड़कियां कमर में हाथ डाल के घूमते हैं, तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अंकल, लड़की का बाप हो बोल के एक बार माफ कर दूंगा, दूसरी बार मारा ना अपनी औकात पे आ जाऊंगा। उसका बाप देखता हूँ। दादा हूँ,
उसका पुराना लवर हूँ मैं। लवर हो? हाँ। उस बच्ची का? और क्या? अरे थानापति, तेरी कमी थी। हाँ सुन भाई, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मसाज पार्लर में हूँ ना मैं, रात को मिलते हैं। बाय। तेरे प्यार के बीच में दीवार हूँ। और क्या? तो दीवार तोड़ दे। क्या है ये? हाँ, यहाँ ड्यूटी करने आती हो या आपने ब्यूटी दिखाने? हाँ, ऐसे खड़ी क्यों? जाकर काम करो, जाओ। आपने मुझे बुलाया सर? मैं मुझे सर मत कहो। आप मैनेजर हैं सर, एज में भी सीनियर है इसीलिए। तो फिर इसे मेरा ऑर्डर ही समझो, मुझे नाम से बुलाया करो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, तो आप बता क्या करूं तेरे लिए मैं? मुझे तेरे साथ पड़ेगा क्या? सॉरी मैथिली, अपने डेस्क पर जाओ और अपना काम करो। थैंक्स मैथिली। पहले तो ना ये रोना बंद कर और सिर्फ अपने काम पर फोकस कर। ज्यादा जी जी करेगी ना तो वो सिर पे चढ़ेगा। अपना काम इतना अच्छा कर कि वो शिकायत ही ना कर सके। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे उससे दूरी बनाकर रखें। क्या है मॉम? मैथिली, लड़के वाले यहाँ आकर आधे घंटे से तेरा वेट कर रहे हैं। परमिशन लेकर वहाँ से निकल नहीं सकती थी क्या? कोई और काम नहीं है क्या बुढ़ाऊ को? मेरे पास सर, उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। जुबान संभाल के बात कर। माँ उनसे कहो मेरे पीछे ना पड़े प्लीज। अगर आधे घंटे के अंदर तू यहाँ घर पर नहीं पहुँची ना तो उस लड़के के साथ उसके पूरे खानदान को लेकर तेरे आऊंगी। तेरी सहेलियों की शादी हो गई और उनके बच्चे भी हैं। तू ही कैसे सन्यासी बनी बैठी है? आपको नाती चाहिए ना, आज ही दूंगी। पर अभी फोन काटो, शाम तक प्रेग्नेंट होकर घर वापस आऊंगी। सर फोड़ दूंगी तेरा, चल जल्दी घर आ। फोन कभी तो उठा लिया कर। अरे आराम से चला। अरे रोड में गड्ढे। इतने सालों तक एक ही लड़की से प्यार कर रहा है, बोर नहीं होता क्या? सवाल ही नहीं। मैं तो हर महीने अपनी लवर बदलता रहता हूँ। पहले वाली नाराज नहीं होती? अरे होती है, मेरे बाप का क्या है। फिर तो तू लाइफ टाइम ऐसे ही पिटता रहेगा यार। अरे एक्सीडेंट हो गया, चल चल जल्दी चल, जल्दी चल। क्या हो गया उसको? अरे जल्दी देखो, कोई मर्द नहीं गया ना? क्या किया बे? होता है यार, मरने दे। तो भी है। देख के चलाना चाहिए था। हाँ। भाई आप साहब कैसे हो? अरे भाई वहां देख बच्चा। भाई अचानक से सामने आ गया। ए, पहले बच्चे को उठाओ, चुप करवाओ उसे। ठीक है साहब। हाँ चलो साहब, ये बच्चा था। हाँ देखा मैंने उसे इधर। सर पास में हॉस्पिटल। हाँ हाँ पता है हमें। चोट तो बच्चे को हमें दे। सर हॉस्पिटल लेके जाओ ना इसको। क्या बकवास बंद कर, ये पुलिस का काम है, तू निकल यहाँ से। चल सर, सर, सर लेकिन ऑटो सर इधर ना, आप घर चलिए। बड़े 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 जल्दी प्लीज प्लीज जाइए। सर बचपन से ना टाइम पे टिफिन पहुंचाना भूला, फिर से अपने भुक्कड़ दोस्त को साथ लाना भूला। नमस्ते सर। हाँ
तू इसे कैसे जानता? रिश्वत चाटता रहता है मेरे से। सैंपल है। इसका पेट भी होने खाओ पोरस। पापा के लिए टिफिन लाए हो? पापा कहाँ? पीछे की तरफ गए। बेचारे रिश्वत क्यों नहीं लेते, वरना यहाँ सामने थाट से बैठते। ए, जरूरी काम से गए हैं, जाना। अरे तू हनुमान ढूंढते क्यों भाई? तूने तो कहा था कि मामा राइटर है, यहाँ बैठ कर ड्रॉइंग कर रहा है ये। पीछे किसका पिछोड़ा तोड़ रहे होंगे पता नहीं। बाप के नाम पे सेंटी हो जाता है ये। अरे डबल नाश्ता करके आए थे, पेट लाल कर दिया उसके। कितना मार रहे पापा? क्या है? माँ ने टिफिन भिजवाया पापा। हे टिफिन लेके अंदर रख दे, चल बोल। पापा अब क्या हुआ? क्यों इस बेचारे को जानवर की तरह मार रहे हैं? मुझे नहीं पता, साहब ने कहा मार तो मार रहे। अब तो निकल। साहब ने कहा? वजह पता नहीं है, फिर भी इतना मारा। मेरी हिस्ट्री जान गया तो क्यों उनका मिला? बताएगा कि नहीं? कलपति तलपति कहाँ खो गया? यशु के हथेले पे कील टोक के उसको सुली पे लटका है। तेरे बाप ने पांचों उंगलियों में कील टोक दी। समझ में नहीं आ रहा, समझाता हूँ। क्या बोल रहा है? सच बता, तू पुलिस में जाने वाला है क्या? हाँ क्यों? सॉलिड हाइट है, पेंटर का काम कर लेना, बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। पुलिस में ज्वाइन मत करना भाई, बकवास नौकरी है ये। तुझे लव लेटर लिखना है, उसके लिए मैं पुलिस के बजाय पेंटर बनूं? चल आजा, तुझे सूली पे लटकाता हूं। तू नहीं सुधरेगा, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा। नमस्ते साहब। नमस्ते सर। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के सपने देख रहे हो? ये तुम्हारी स्टाइल, दाढ़ी, मूंछ, ब्रेसलेट। पुलिस कम, सड़क के मवाली ज्यादा दिखते हो। सर किसने कहा दाढ़ी मूंछ रखने से कोई मवाली बन जाता है? जिस दिन फोर्स ज्वाइन करूंगा, आप जो कहेंगे वो करूंगा, पर तब तक मैं अपनी मर्जी का राजा हूँ। तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। अपने सीनियर ऑफिसर से ऐसे बात करोगे? तुम्हारे पिताजी पीछे हैं क्या? हाँ, जाओ। चलो पूनम का चांद। इंस्पेक्टर साहब जा रहे हैं, उन्हें बताना होगा। अच्छी बात है साहब। ले क्या उसे? अरे ये मुच्छड़े से भाग क्यों रहा है बे? क्या हो गया इसको? चल 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 जल्दी चल। अबे ये क्या, किसी और को पकड़ ला है? सर 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 सर, इसे अरेस्ट क्यों किया है? दारू पी के एक्सीडेंट किया है। क्यों सर? ये वो नहीं है सर, वहाँ और तीन लोग। कौन है तू? बाहर निकल। सर कांस्टेबल स्वामी का बेटा है। तो बाहर लेके जाए इसे। और इसे अंदर डाल। एफआईआर थी किसके बारे में? तो चल जल्दी जल्दी चार्जशीट तैयार करो। बेटा तुम यहाँ से घर जाओ। आप जाइए, मैं इसे ले जाऊंगा। चलना। क्यों पापा, आपको मुझ पे यकीन नहीं है क्या? अरे है बेटा, अभी निकल, घर पर बात करेंगे। औरस अब तक समझ गए होगे, वो अमीर घर के लड़के हैं बेटा, चाह कर भी उन्हें हाथ नहीं लगा सकते। एक बात पूछो मामा, आपको पता है दुनिया में इतने जुर्म कैसे होते हैं? जब अपने जुर्म का इल्जाम कोई और अपने सर ले तो अपराधी पैदा होता है। आज आपकी वजह से तीन नए अपराधी पैदा हो गए। चलता हूँ। संभाल के जाना। हमसे पंगा लेगा? अरे भैया काउंसलर है ना, उनसे बात कर, कोई उपाय निकालेंगे। वे पुलिस अपराधियों की मदद कर रही है भाई। चाय। वो अंदर आपकी बाइक खड़ी है ना? क्यों चाहिए क्या तुझे? वो उस पर बैठकर उसका भंगार बना डालेंगे, एक बार जाके देखो उधर। जरा चाय पकड़ना, मैं अंदर देख के आता हूँ। वो देखो ए, अंदर है क्या? स्टैंड टूट जाएगा ना, चल नीचे उधर। भाई सिगरेट पी रहे, चल निकल। क्या बोला? अबे जाएगा या बाइक जला दूं? अभी तक खड़ा ही है। तेरे बाप का राज है क्या?
क्या हुआ यार? अरे बाइक से उतरने को बोला तो जलाने की धमकी दे रहा है यार। hey! तू इसका वकील है क्या? दम मारने के बाद उतर जाऊंगा, निकल। तलपति, इसने क्या कहा तूने सुन लिया ना? अब चल। ना ने सपोर्ट करा गया। जब मैंने बोला तो नहीं सुना, पर आपने बोला तो धूम दबा के निकल गया। तुम तो दिखने में ही रईस दिखते हो भाई, इसलिए भाग गया। तो अभी घर की तड़के है, चाह कर भी हाथ नहीं लगा सकते बेटा। घूर क्या रहा है बे? यहाँ का हीरो है तू। फोन चार्ज हो गया क्या? हाँ हो गया। ए चला यहाँ से निकल। बोलो मैथिली, कहाँ गायब थे? कितनी बार फोन किया था मैंने? क्यों, कुछ काम था क्या? तुम्हारे ससुर ने मुझे किसी के घर की नौकरानी बनाने के लिए फिर से एक नमूना दिया। अगर किसी जोकर ने इस घर में पैर रखा तो उसकी टांग तोड़ दूंगी, फिर तुम्हारी भी। ठीक है, समझ गया। अब फोन रखो, आता हूँ। तलपति, फिर से वही पंगा। सट के लेने दूल्हा ढूंढ लिया क्या? अच्छा सुन, अगर शादी का ब्रोकर होता ना तो खूब नोट छापता। अरे जब छोकरी तेरे ऊपर फोटो लट्टू है तो उसको खुजली की हो रही है, और मैं कॉलेज के दिनों से समझा रहा हूँ। एक काम कर, बड़े से पत्थर से ना उसका सिर फोड़ दे, उसे छुटकारा तो मिल जाएगा। क्यों पोरस, मैथिली कुछ बोलेगी तो नहीं ना? अबे हमारी कहानी बचपन से ही चालू है, वो कुछ नहीं बताने वाली। डोंट वरी सर, आपके बेटे की नोटबुक से ये लव लेटर मिला। सबने कहा कि ऐसा लोफर छाप काम सिर्फ वो जूनियर मजनू ही कर सकता है। जब आपकी बेटी से पूछा तो भोली बन के चुपचाप बैठी रही। बस एक बार आपकी बेटी नाम ले ले उसका, तो इन दोनों की टीसी काट के स्कूल से बाहर कर दूंगा। ये लेटर तो मैं उसी ने दिया। मत बोलना, मत बोलना, मत बोलना। कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ पापा, इसी ने लेटर दिया। इसने एक बार में सब उगल दिया। तेरा तो जन्म जन्म का प्यार था ना? जो सुनना था सुन लिया, अब टीसी काटो। ए, दोनों महापुरुष जरा अंदर आओ, जल्दी आओ। नखरे मत करो, शक्ल देखो दोनों की। हाथ आगे कर, हाथ आगे कर। लेकिन सर, पिछले हफ्ते मैंने भी इसे एक लेटर दिया था। है? उसी के जवाब में इसने मुझे लेटर दिया। क्यों पिताश्री, प्यार का इजहार सुन लिया ना? अब दोनों की शादी करवा दो। क्या उम्र है तेरी? हाई स्कूल पास किया नहीं, दाढ़ी मूछाई नहीं, पर लव करना सीख गया पिता। बड़ा हो जा, दाढ़ी मूछ उगा ले, कोई नौकरी धंधा कर, उसके बाद शादी के बारे में सोचना। सर, पोरस को इडली पसंद है और मुझे भी। तलपति, ये मेरी जिंदगी की सबसे पहली कमाई, मेरी माँ के हाथ में देने के बजाय ये इज्जत में इन्हें दे रहा हूँ। बता दे इन्हें, थोड़ी चटनी डालो। हिंदी में बात की मैंने, बोलो तो इंग्लिश में रिपीट करूं। ही सेइंग फर्स्ट सैलरी गिविंग यू, निकम्मे की पहली नौकरी करें, सो गिव डॉटर हैंड हिम। कहां लगी नौकरी? हजारों लोगों को हाथ से खाना खिलाया। क्या कहा? हा? एक लाख लोग। कंपनी का नाम क्या है? स्विगी यार। वो लड़के जो खाना पहुंचाते हैं वही कंपनी ना? बिल्कुल बिल्कुल। इससे अच्छा तो वेटर ही बन जाता। खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। पक्की नौकरी लगे, परमानेंट तनख्वाह आए, उसी को नौकरी मानूंगा। मेरी बेटी को हर सुख सुविधा दे पाए उसके बाद बात करना। एमएलए का इलेक्शन लगवा दूं क्या? जमानत जब्त हो जाएगी। डोसा साइड में रख, चल और खड़ा हो। बहुत मच सुन ली मैंने तेरी। मैं स्कूल टाइम से देख रहा हूँ, इन्हें अलग करने के लिए एक लाख बहाने बना चुका है। एक बात समझ ले, जब तक ये बूढ़ा जिंदा है तब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। तो इसे जान से मारकर मैं जेल चला जाऊंगा, तू उसे शादी करके हनीमून पे चले जा। तलपति, हुआ कि नहीं? अरे नॉन स्टॉप है अभी, इसके बारे में नहीं पूछ रहा। कोई आइडिया आया कि नहीं? अच्छा, एक फर्स्ट क्लास आइडिया देता हूँ। सुन, उस मनहूस पनीर की शक्ल में फिर से देखना नहीं चाहता, ऑपरेशन करना होगा। अरे नहीं यार, ऑपरेशन नहीं। वो ऑपरेशन नहीं यार, इधर आ। तुझे उस मैथिली से शादी करनी है ना, तो मेरे पास एक माइंड ब्लोइंग तरकीब है। थोड़ा साउंड इफेक्ट लगेगा। साउंड इफेक्ट चाहिए? अरे वो भी तुझे देना है। चुपके ऐसी वैसे कितनी फिल्में देखी है हमने। काम हो जाएगा ना।
अरे पक्का हो जाएगा यार काम। ओए कब से शूट कर रहे हो अंकल? जब से तुम बाइक से उतरे। तूने सुना छे सुसु का भी वीडियो बना दिया अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। अरे अंकल हमारा वीडियो डिलीट मार दो। अरे वो वीडियो मंदिर से भी ज्यादा सैंडल है यहाँ पर। हेलो उस खड़ूस पनीर के घर पे हूँ मैं। दो तीन ऑटो में पंटर भर के यहाँ पे पहुँचा। क्या रे पनीर घर में फंक्शन चालू है क्या? हमें बुलाना भूल गया ना इस बार। ये भाई देखना बंद कर सीधा ऊपर जाके अटैक कर। जाना आंटी के हाथ में कॉफी भिजवा दूंगा मैं। क्या चल रहा है? कौन है ये लोग? इलेक्ट्रिशियन है। वायरिंग ठीक करने आए हैं। घर में घुस के तमाशा करेंगे। बिल्कुल इसको फोन करता हूँ। मेरा फोन लेकर आ। पनीर बुढ़ापे में गुस्सा अच्छा नहीं होता। ये ले मेरे फोन से कर ले। बुला पुलिस को। दरवाजा खोलो वरी नाक कटवाएगी क्या? ये लोफर कहीं का यहाँ किस लिए आया है? सुनिए जी ये जबरदस्ती घर में घुसा है। क्या हुआ दूल्हे राजा? ऊपर से कैसी आवाजें आ रही है आपको पता है क्या? है बत्ती बुझा के लड़का लड़की बंद कमरे में भजन गा रहे हैं। कैसे पाला है बेटे को? फुलटो बना दिए। अभी भी कार्टून नेटवर्क दिखता है। ये परिवार हमारा बहुत अपमान कर रहा है। मुंह बंद कर बुढ़िया। जैसे ही जवान लौंडा कमरे में घुस गया तो तुम्हारी इज्जत खेत में चली गई। चलो अभी निकलो ऐसे। इनकी बकवास क्यों सुनने का? चलो चलते हैं। ये सफेद बाल कौन है? ब्रोकर है क्या? ही इज माय फादर। पनीर से चढ़ेगा तू। बुलाकर आपने हमारी बहुत बेइज्जती की। चलो सब लोग जरूरत नहीं है। भागो सब लोग निकलो ऐसे। तू भी चल चल चलो बुढ़िया चलो ऐसे। मैथिली लोफर को क्यों बुलाया था तूने? मेरी क्या गलती है? मैंने इनवाइट नहीं किया। अरे भगवान बचाए। मेरा काम तो हो गया। जहाँ मर्जी हो शादी करवा देना। चल थलपति। हाँ तो चला रहा हूँ। पनीर जी पुलिस को कॉल लगाया था। आ रही है ना? कल ही रिचार्ज खत्म हो गया। जीरो बैलेंस। जमीन को दूषित करना बंद करो। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। जमीन को दूषित करना बंद करो। तीन दिन से अनशन पर बैठे हैं। कोई मर गया तो वो जिएंगे कि मरेंगे ये हम पर है। मरने तक भूख हड़ताल जारी रखेंगे। ये भी तो गैर कानूनी है ना? फैक्ट्री के केमिकल से जो लाखों लोग मरेंगे वो अपराध नहीं है? सत्ता ने कानून ने कभी भी आम आदमी का साथ दिया है क्या? पुलिस कोर्ट कानून अमीरों के जेब में पड़ी रहती है। एक आम आदमी के लिए धरने पर बैठकर भूख हड़ताल करना ही आखिरी रास्ता बचा है। सर ये बच्चा कितना बीमार लग रहा है, इसे हॉस्पिटल ले जाकर इसका इलाज करवाइए। सर इसका इलाज नहीं हो सकता। कुछ दिनों में तो मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, पर जहरीले पानी की वजह से कोई और बच्चा ना मरे इसलिए मैं यहाँ धरने पर बैठा हूँ। मैं देख रहा था ना, बंद क्यों किया? क्या प्रॉब्लम है? पागल है क्या? ए? टीवी पे इतना जरूरी इशू दिखा रहे थे। रिमोट दे। नहीं दे। मुझे देखना। नहीं दे। अरे नहीं क्या कर रही है? देना। अरे रिमोट देना यार। अरे 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 फिर से शुरू। देखो ना रिमोट लेके भाग रही है। मुझे टीवी देखना। नहीं देना। तू देती है यार। अरे रुक जा। उनकी प्रॉब्लम देखने के बाद उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे क्या? सारी दुनिया जानती है पुरुषोत्तम कब से इनकी खत्री के पीछे पड़ा हुआ है। उसके लिए ये फैक्ट्री नासूर बन चुकी है। इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। मैं टीवी पे कोई कॉमेडी शो देख रहा था क्या? नहीं देना रिमोट। रिमोट दे मुझे। छोड़ो मुझे। बोल रहा हूँ ना रिमोट दे। ये लो। न्यूज खत्म हो गई। कोई बात नहीं न्यूज देखनी है ना? रुक जाओ। हमारे गुरु ने कैलाश पर्वत से एक बहुत ही मस्त प्रवचन भेजा। फॉरवर्ड कर दिया। कैलाश पर्वत एंजॉय करो। ऐसा क्या है इसमें? वन टीचर कैन नॉट राइट ऑल सब्जेक्ट। हाउ कैन लर्न वन स्टूडेंट ऑल सब्जेक्ट। कैसा लगा? फिर से अगर मुझे ऐसा घटिया फॉरवर्ड भेजा ना तो रुक जा मैं तुझे ब्लॉक कर देता हूँ। ये ले, हो गई ब्लॉक। शौक से करो। चल भाग। चल। इस फैक्ट्री की सच्चाई को दिखाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। पर कैसे?
सबूत कहाँ से लाऊं? मेरा बेटा ही सबूत है, इसे ब्लड कैंसर है। तो फिर कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर आप लोग? मौत का तमाशा देखने के लिए आप लोग माइक लेकर पहुँच जाते हैं। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं में ना जाने कितनी जहरीली गैस भरी होती है। दिन रात ये जहर सांसों के साथ फेफड़ों में जाता है। फैक्ट्री से निकलने वाले पानी में केमिकल्स भरे हैं। पानी में हाइड्रोजन का निर्मल 8-10% पहुँच गया है। और पता है लेवल इतना ऊपर होने का नतीजा क्या होगा? सोडियम हाइड्रोसल्फेट के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो गूगल पे सर्च कर लो। और आगे क्या? इसके मरने तक यही बैठे रहेंगे? मैडम, क्या आप लोग चेन्नई से हैं? हाँ सर। चेन्नई में कुवम नदी के तट पर कुछ 50 साल पहले कौन रहता था? वहाँ कच्ची बस्तियाँ थी। आज वो कहाँ है? आज भी वहाँ स्लम एरिया है सर। तो बताओ डेवलपमेंट कहाँ गया? गरीब वही है। इस देश में गरीब लोग पहले से भी गरीब हो चुके हैं मैडम। सबको यहाँ आना पड़ेगा। किन्हें सर? जिन्हें हमने वोट दिया है, MLA, MP, कलेक्टर, और उसे भी, इनके खत्री को भी। अगर नहीं आए तो? अगर नहीं आए तो हम यही प्राण त्याग देंगे। हम लड़ेंगे, 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 आखिरी सांस तक लड़ेंगे। देखिए इनके साथ पार्टी के चीफ आपके और आपकी फैमिली की बहुत इज्जत करते हैं। MP का टिकट मिलने तक आप अपने नाम को खराब मत कीजिए सर। कम से कम मीटिंग होने तक अपने गुस्से पर काबू कीजिए। मीडिया के लिए और अपोजिशन के लिए ये एक मसला काफी बड़ा है। आपके रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा के रख देंगे। उस पुरुषोत्तम को लेकर जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। इतनी समझ है मुझ में। उसे रौंदने के लिए एक मौके की तलाश में हूँ। प्रेस और पब्लिक की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब कल इससे बड़ा कांड होगा इस मसले को लोग भूल जाएंगे। ध्यान रखिए 4 की जगह 4000 नंबर जाए। आप अकेले नहीं है सर, आपके दुश्मन भी बहुत हैं। वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे। जब तेरा ये बाप बचपन में सड़कों पर भीख मांगता था तब मेरे गुरु ने मुझ पर मेहरबानी की और एक दिन ये फैक्ट्री कानूनी रूप से मेरे नाम पर कर दी। ये पावर, पैसा, ऊंचा रुतबा सब कुछ इस फैक्ट्री की बदौलत है। इस कुनबे की जड़ वो जमीन है, एक स्तंभ है। इस फैक्ट्री को खो देने का मतलब अपने बाप का गला दबाकर मारने जैसा होगा। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो बस पैदा हो जाते हैं और बिना वजह जाने बस जीते रहते हैं। दूसरे वो जो अपनी मंजिल के लिए जीते हैं। और तीसरे मेरे जैसे खुद्दार होते हैं। हमारा मान सम्मान हमें जिंदा रखता है। पापा, आपका सम्मान बना रहेगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। चिंता मत कीजिए। अभी कहाँ होगा वो? केमिकल्स। इंसान की तरक्की के लिए इनका इजाद किया गया था, लेकिन आज मानवता को बचाने की बजाय आज हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। इसकी वजह राजनीति और पैसा। जैसे ही फैक्ट्री शुरू होती है जहरीला वेस्ट फैक्ट्री से गंदे केमिकल से निकासित होता है जो नदी और तालाब में जाते हैं, हमारे खेत और जानवरों के पास पहुंचता है। प्रदूषित पानी, प्रदूषित हवा किसी न किसी जरिए से जहर खान तक पहुंच जाता है। हर इंसान आज बीमार है, अगली पीढ़ी दवाइयों पर जिंदा रहेगी। एक बार रोको इसे। एक आदमी के फायदे के लिए पूरा गांव शमशान बन गया और हम मूक दर्शक बनकर देखते रहे। वजह? उसके पास पैसा है, पावर है। हमें बचाने कोई नहीं आएगा, ना ऊपर से भगवान आएंगे ना फरिश्ते आएंगे। हमें खुद अपने आप को बचाना होगा। जो मेरे बच्चे के साथ हुआ आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। अपने आने वाली पीढ़ी को ये जहर देना है क्या? तिल तिल कर मरेंगे साहब, ये आप सोचिए। इनके को हरा कर मुझे जिताओ। ना उसका पैसा चाहिए ना पावर, सिर्फ मुझे आपका साथ चाहिए। मैं सब कुछ कर लूंगा। मेरा साथ देंगे कि नहीं? सुना तूने? कैसे पागल जैसी बातें कर रहा है? क्या कहा? वो पागल लगता है। चुप बैठो, हम आपके साथ हैं भैया। हाँ, आप आगे चलो, हम पीछे आएंगे। भाई, लोग उसका साथ दे रहे हैं। खतरी, हाय हाय। तुम इन लोगों को भड़का रहे, उसे पता लगा तो क्या होगा?
क्या करेगा? मुझे मार देगा। मार दे दो, मैं तो एक मच्छर हूँ, उसके एक वार से मर जाऊंगा, लेकिन जब तक जिंदा हूँ लड़ूंगा। कल मेरी जगह कोई और खड़ा हो जाएगा, उसे भी शायद वो लोग मार देंगे, लेकिन एक दिन कोई शेर आएगा, वो लोग मच्छर, मेमना, बिल्ली सबको मार देंगे, लेकिन शेर को नहीं मार पाएंगे। ए पोरस, क्या बात है थनपति? अरे नीचे तेरी बहन रो रही है, तो जरा जाके बात करना उससे। ए, क्या बात है, तू रो क्यों रही है? किसने दिया ये बॉल? बोल ना। देख अब क्या बॉल डालता हूँ मैं, आराम से। ओ भाई तेरी वाली है। बॉल फेंक है। हाँ ये ले। क्या भाई, क्या अंधा वो, बड़ी चिपक के जा रही थी बाइक पे उसके साथ, क्या नहीं बताएगी? सर फोड़ दूंगा तुझे, देख रहा तेवर इसका, डर नाम की चीज नहीं है इसके अंदर। बाल दे। अब तो मेरे भाई से ही लेना। क्या बोली? तेरे भाई से डरता हूँ क्या उससे? मैं इसे ग्राउंड में मिलूंगा, मैं बॉल के साथ भेज देना उसे। सैभम का भाई को ना मुझसे प्यार करता है, कहता है कि मुझसे शादी करेगा, रिश्ते की बात करनी है तुमसे, मैदान में मिलेगा वो तुमसे, जाओ जाओ बात करो उससे। क्यों बे, मेरी बहन को हाथ लगाया तूने? तू अंदर कैसे आया है? क्या बता, छोटी सी बात पे चुप्पी। अरे छोड़ना नहीं इसको रे, छोड़ना नहीं। मालिश करने लग गया है? मालिश लग रहा है तुझे बे? मेरा हाथ तोड़ दिया इसने। अच्छा हाथ तोड़ दिया? ए फॉरेस्ट चल छोड़ो, अरे छोड़ना बस हो गया, अरे मालिश करने चले इनसे, पुलिस में जाना है तुझे, गुस्से पे कंट्रोल रखना सीख। मेरा होने वाला साला इसलिए अभी तक जिंदा है बे, और ना अब तक टपका दिया होता, भाग्यशाली है बे तो। ए छोटा सा मैटर है, मैं बात करता हूँ, तू वेट कर मैं बात करके आता हूँ। अरे क्या हुआ भैया? ए गुना तू चाकू छुरी रखता है ना, लेकिन वो आदमी खुद एक तलवार है, काट के रख देगा तुझे, हॉस्पिटल जा इलाज करवा, चाकू की जगह कमंडल हाथ में ले, हिमालय पे चला जा, हाँ ठीक है? अबे प्यार से समझा फिर भी मारता है। तुम अंदर जाओ। हे इधर आ, तू पुलिस वाला बनेगा ये गुंडा? सबसे पहले तो मैं इंसान बनूंगा पापा, आपके सामने कोई खून करके चला जाता है उसे पकड़ने के बजाय आप किसी और को अंदर डालते हैं और मुझे अपनी तरह बनाना चाहते हैं। दिन दहाड़े बीच सड़क को गुंडे मेरी बहन को छेड़ रहे थे, आपकी तरह चुपचाप देखता रहूं ऐसी उम्मीद मत कीजिएगा मुझसे। ए ये पहले अपना मुंह तो पोंछ ले, अपनी गलती। तुम अंदर जाओ।
अंदर जाओ। हर बात में गुस्सा करने से नहीं चलता बेटा। इतना तो मैं भी जानता हूँ पापा। पुलिस ज्वाइन करोगे तो सर्विस रिवॉल्वर मिलेगी, तो हर गुंडे को शूट करते बैठोगे। जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगा मैं। एक दिन तेरे गुस्से की आग कहीं तुझे ही ना जला दे बेटा। तू किसी को मारेगा तो वो तुझे भी मारेगा या पुलिस में कंप्लेन करेगा। केस हुआ तो तू पुलिस नहीं बन पाएगा। अगर गुस्से में तू किसी का खून कर देगा तो एक और गुंडा पैदा होगा, लेकिन तू जेल में होगा। एक बाप होने के नाते मैं तुझे सलाह दे रहा हूँ, आगे से तू गुंडे मवालियों से दूर ही रहना। क्या इसीलिए तुझे पढ़ाया? जुल्म सहने वाला कोई अहिंसक नहीं होता, उल्टा वो जुल्म को बढ़ावा देने वाला बन जाता है। तू अपनी हरकतें नहीं छोड़ेगा, पछताएगा। इसका फैसला मेरे दुश्मन करेगा। क्या धमाका किया उसे? किस दिन? तेरा बॉयफ्रेंड बेडरूम में आया उस दिन। कुछ नहीं हुआ था। तेरे बेडरूम के बाहर जो ऐसी वैसी आवाजें आ रही थी वो क्या थी? तुझे किसने बताया? तुम्हारी मॉम ने। ओ मॉम। अरे सच में कुछ नहीं हुआ था। वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं करेगा। अच्छा है वो? किस चीज में? क्या सुनना है? उस दिन मेरे बेडरूम में क्या हुआ यही जानना है ना? हाँ। शादी से पहले ये सब गलत है, शादी के बाद जो मर्जी हो करना। कैसा है भाई? हाँ, कितना वजन उठाएगा? मसल फट जाएगी यार। नहीं गई यार। कौन उठा लेना? हाँ मैथिली बोलो। एक बात बोलो तुमसे। एक क्यों दो का? हम शादी कर ले। ए, तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड शुरू हो गया, थोड़ा वेट करो। कितना वेट करूं? तुमने कहा था पहले पुलिस ज्वाइन करूंगा, उसके बाद छोटी बहन की शादी करवाऊंगा, और जब ये दोनों काम हो जाएंगे उसके बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगा। अब सुनो, मुझ में इतना सब्र नहीं है कि मैं इतना वेट करूं। तो फिर क्यों ना पहले सुहागरात मना लें और फिर हम शादी भी कर लेंगे। कैसा लगा आइडिया? संस्कारी लड़की है। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम पागल हो? ऐसी अजीब बातें करना किसने सिखाया तुम्हें? देखो तो, पनीर साहब जिम सिखाने आए हैं। आज 100 डंबल मारेंगे, 6 पैक का पेट है, बॉडी शॉडी बनाने आए हैं जिम में। अपनी बेटी की शादी की बात करने आया था। शादी की बात? दूल्हा कौन है? अमेरिका वाला लड़का जिसने अभी तक नारंगी भी नहीं छीली, वही आइटम क्या? तो फिर लड़का इसी शहर से है। इसी शहर से? ए भाई, फिर तो खातिरदारी करनी पड़ेगी। टाइम बताना, समोसा मिठाई सब लेके आ जाएंगे। क्यों? लड़के को अच्छी तरह जानता हूँ। नाम बता, शादी के अरमान निकल देंगे उसके। कौन है? कौन? और कोई नहीं, अपना पोरस बेटा। पोरस? अरे पनीर, जिद पे अड़ा था, तेरा मन कैसे बदल गया? अरे कुछ झूल गया क्या? इससे रूढ़ हटकाया तो मार देंगे। करेक्ट। अबे कल रात तूने ही कहा था ना? ठीक है ससुर है। बेटा पंडित जी से मिलके अच्छा मुहूर्त निकलवाते हैं, जल्दी शादी कर देंगे। ठीक है, अपने मम्मी पापा को लेकर घर ये पनीर। अच्छी खुशखबरी सुनाई है? नीचे 2 चिल्ड बियर का ऑर्डर दे देना। क्या? क्यों खुश है ना तू? अब तो लाइन क्लियर हो गई तेरी। आज के बाद तू मुझे टॉर्चर मत करना, ऐश कर, तू एंजॉय कर। ओए पनीर, बियर ऊपर मत लाना। अपना कृष्ण है ना, कभी नहीं सुधरेगा, सारे क्लासेस कैंटीन में ही अटेंड करता है। ये भाई जरा उधर देख। हाँ? ए, प्यार का इजहार किया क्या? नहीं यार, अभी तक तो नहीं। अरे फट्टू एक नंबर का, अपने कृष्णा को देखना, पूरा 2 महीने तक लाइन मारी, दिव्या को पढ़ा के दिखाया, उसे महाबलीपुरम लेके भी गया। हुशार पन्नी मात्र पन्नी भी देवे इतना काम छे। बोल तो उसे इधर ही बुलवा लो। ए कृष्णा, पटाखा है यार, किसी दिन उठा लेते उसे। नीचे उतर, नीचे उतर, समझाया था ना उस दिन। हेलो, क्या बात है? मुझसे बात करो। बॉडीगार्ड है क्या? फैसल क्यों रो रही है? दुख
कुछ हुआ क्या? चुप हो जाना। उस दिन मेरा हाथ तोड़ा तो नहीं रोई तू? आज दर्द हो रहा है। चुप होगे कि नहीं? मुझे गुस्सा मत दिला, नहीं तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। नहीं रोगी। इंसान नहीं, हैवान हूँ मैं, समझी? हद पार करने की आदत है मुझे। आज के बाद अगर इसके साथ दिखे ना, चीर डालूंगा। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। ए, इसे जिंदा देखना चाहती है तो समझ जा। ए, चल रहे। भैया, ये मेरी बहन है और इसे कई दिनों से आपका भाई बेवजह तंग करता जा रहा है। अगर मेरी बहन आपके भाई को पसंद करती तो मैं खुद इनकी शादी करवाता। घर से निकलना मुश्किल हो गया, कितनी बार तो कॉलेज भी नहीं जा पाती है। चाहता तो मैं पुलिस के पास जाता, लेकिन फिर आपसे मिलने पर आप मुझसे कहते कि तू मेरे पास क्यों नहीं आया, इसीलिए आया। सुन भाई, अपनी बहन को घर लेके जा, इसे मैं समझा दूंगा। इसे मैं खुद दो बार समझाने की कोशिश कर चुका हूँ, इसका हाथ भी फ्रैक्चर कर चुका हूँ मैं। तूने तो बोला था कि गिरने से तेरा हाथ टूटा है। नहीं भाई, कोई बताने वाला था मैं। तुझे हजार बार समझा चुका हूँ कि लड़की बाजी का चक्कर छोड़ दे, लड़कियों की हिफाजत करना मेरा काम है। तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर एक बार और शिकायत आई ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ के बीच चौराहे पे लटका दूंगा तुझे। सुनो बहन, अगर इसने फिर से तुम्हें तंग किया ना तो मुझे फोन करना, मैं खुद वहां आऊंगा। ओए, हीरोगिरी दिखाने की क्या जरूरत थी? वहां लफड़ा हुआ तो मुझे आके बोल सकता था ना। जिससे प्यार करते हो अगर उससे कोई बदतमीजी करेगा तो चुप कैसे रह सकते हैं? क्या क्या? तू उससे प्यार करता है? उसे बताया या नहीं? पहले तुम बताओ कि उससे ये बात करूं या फिर मैं भूल जाऊं। कोई अच्छा सा दिन देख के मम्मी पापा के साथ रिश्ते की बात करने आ जा, समझ गया? प्यार करती हूँ, अब ये बात सीधे भैया से कह दी, मुझे यहाँ करने कह सकते थे। उन्हें किसी और से पता लगता तो हमें अलग कर सकते थे, गुंडों से पिटवा भी सकते थे, तब तुम्हें अच्छा लगता क्या? ठीक है, अब बोल दो। क्या चीज? ए, मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे तो कहोगे ही ना। ए द्वारका, एक मिनट मैं। अरे सुनो। ए, अगर मेरा पीछा किया ना तो भैया छोड़ेंगे नहीं। आजा। ओके, फाइन, सब लोग रेडी हैं? तुझे पता है? हिला। दिव्या। हम इस बुक से नोट्स बना सकते हैं। ए, एक बार उसे लेके गया ना, अब क्या बार बार उसे लेके जाएगा? ए कृष्णा, दिव्या को बुला।
इसकी प्यास वीडियो से नहीं बुझने वाली। अरे दिव्या जरा यहाँ तो आना। हाँ। चल तो निकल, बाकी मैं संभालूंगा। ऑल द बेस्ट भाई। क्या हुआ? मेरे फ्रेंड्स को कुछ बात करनी है, मैं आता हूँ। ठीक है। ए, मुझसे क्या बात करनी है? अरे रुक ना, मोबाइल नंबर दो ना अपना। हाँ? किस लिए? एक वीडियो भेजूंगा, देख लेना उसे। कैसा वीडियो? तुम्हारे और कृष्णा के जवानी के चलते। मोरेगी इधर देख दिया, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार यूज करूंगा फिर वापस नहीं बोलूंगा। प्रॉमिस। किसी से नहीं कहूंगा। उधर देख, तेरा वीडियो मैं सुबह शाम देखता रहता हूँ। हे, कृष्णा से बात कर लिया मैंने, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब होने के बाद भी वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है? न गिड़गिड़ाऊंगा, न वीडियो वायरल करने की धमकी दूंगा, बस मेरी बात मान जा। अगर तुम्हारी रजामंदी के साथ होगा तो बहुत मजा आएगा, वहीं महाबलीपुरम में, उसी रिसोर्ट में, उसी कमरे के अंदर। तुम होगी ना? गुड गर्ल। उसी रिसोर्ट में, उसी कमरे के अंदर तुम हो कि ना? बोल तो मेरे साथ प्यार कर दिया, नहीं तो तुझसे लिपट के आग लगा दूंगा। साथ जिए नहीं तो क्या, कम से कम मर तो सकेंगे। मुझे प्लीज जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज। डर लग रहा है? डर लग रहा है ना? लाइटर जला दो क्या? जला दो। भाई से बोलना कि तू मेरे से प्यार करती है। मुझे जाने दो ना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। सन, बात से फेरना नहीं। ठीक है, जा। ए द्वारका, आई लव यू। आज तक अकेले लड़ाई लड़ी है मैंने, उन पर आरटीआई से इंक्वायरी करवाई, लोगों को अपने साथ लिया और अब न्यायालय में उसके खिलाफ केस करने जा रहा हूँ। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं समाज का एक इज्जतदार आदमी हूँ, ये लोग सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर किसी से पैसे लेकर मेरे पीछे पड़े हैं और मेरा नाम बदनाम करना चाहते हैं। मैं उन्हें जरूर जवाब दूंगा, जीत मेरी। आ गई। अरे ओए मैडम, जवाब तो दो। द्वारका, चाय बना दूं क्या? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ए, कम से कम जवाब तो दे मुझे। ए, कुछ बोलती क्यों नहीं द्वारका? ए, क्या?
क्या कर रही है? नहीं बेटा, रुक जा, ऐसा मत कर। अरे रे, कोई आकर मेरी बेटी को बचा लो, जल्दी वो मर जाएगी, ऊपर आ जाओ, जल्दी आओ, बचाओ मेरी बेटी को। देखो तो मेरी बेटी फांसी लगा रही है, बचाओ। क्या हुआ? देखो तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, तो पीछे आते हैं। ठीक है ठीक है। ए, आ जाओ मेरे लाडलो, आ जाओ। अरे लंच टाइम हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जा रहे मेरे रणवीर सिंह। अरे फड़फड़ा क्यों रहा है? टीम वाला तुझे भी, रुक जा, ये ले, चला दूसरे को आने दे जा। तेरी बेटी ने फांसी लगा ली है, उसे सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए हैं, जल्दी जाओ। हाँ। आ जाओ। क्या किया तूने? ऐसा क्यों किया तूने? सॉरी पापा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा सिवाय मरने के। क्या कर रही है तू? इतना बड़ा कदम उठाया? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया भैया, मैं बहुत डर गई थी। देखने आए कि अब तक जिंदा है या नहीं? अभी तक तो जिंदा है, लेकिन अपने हाथों से मार दीजिए इसे। ये शहर को बचाएंगे, आप अपने परिवार को नहीं बचा पाए। देखिए देखिए इसकी हालत। और ये कहते हैं अच्छे के साथ अच्छा होता है। यही दिन दिखाने के लिए पुलिस में भर्ती हुए थे? हाँ, जाइए जाइए ना, साहब की हाजिरी लगाइए, डंडा घुमाइए, जाइए। नहीं पापा, पापा, मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। मैं कुछ करता, वो कैसी है? कैसे हो सकती है सर, पुलिस में हूँ लेकिन इतना पापी हूँ कि अपनी फैमिली को ही नहीं बचा पा रहा। ऐसी बात मत करो, कड़े एक्शन लूंगा मैं। सिर्फ आप पर ही भरोसा है? मैं देख लूंगा आप। जी सर। सर मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। टेंशन मत लो, कंप्लेंट लिख ली है और मैं यहाँ हूँ ना, आपकी सहायता के लिए ही सरकार ने ये नौकरी और ये वर्दी हमें दी है। बेफिक्र होके जाइए, खट जाइए। हेलो सर, लड़की के पिता ने आपके बेटे के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है। कंप्लेंट ही है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लड़की ने फांसी लगा लिया सर। क्या बक रहा है? सच बोल रहा हूँ सर। एक सेकेंड होल्ड करो, तुम एक लो, फोन करता हूँ। सर लड़की मर गई? नहीं नहीं नहीं, वो खतरे से बाहर है अभी। FIR लॉज कर दिए क्या? अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर बेटी को पता चल गई तो वो चिंगारी को आग बना देंगे। क्या नाम है छोकरी का? उसका नाम दिव्या है, उसके बाप का नाम रघुपति है। यहाँ के क्रोकोडाइल फार्म में काम करता है। समझ गया, मैं देखता हूँ। भाई क्या है? इंस्पेक्टर साहब का फोन है, दे दे। हाँ बोलिए सर। किसने कंप्लेंट लिखवाई सर? नहीं सर, भाई को समझा दिया था,
ये उसका काम नहीं होगा। देख सेल्वम, तुझे मारने के लिए ऊपर से प्रेशर आ रहा है। तेरे एक पार्टनर को अरेस्ट करके उसे टॉर्चर किया है, तेरे खिलाफ गवाह बना दिया है, तेरे एनकाउंटर का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लड़की वाले चिल्ला रहे हैं, तेरे भाई का नाम आया है, वो एक पुलिस वाले की बेटी है, FIR दर्ज हो चुकी है। मैं क्या किसी का बाप है तुझे बचा नहीं सकता है। फिर मुझे क्या करना चाहिए सर? कॉम्प्रोमाइज कर जाके उनसे, जाकर पैर पकड़ ले उनके, केस वापस लेने के लिए, तब शायद तेरी सजा और कम हो जाए, खोया हुआ पैसा आ जाता है, लोगों की जिंदगी वापस नहीं आती। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम, मेरा बस एक ही काम रह गया है, हमेशा उस पर नजर रखना। दो पीढ़ियों से हमारी प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री तो दूर, वहां से एक ईंट तक हटाने वाला नहीं मैं। उसे कोई भी नुकसान पहुंचा तो सीधा हम पर केस बन जाएगा सर। तो क्या करूं? उसके पैरों में गिर जाऊं मैं? सर, हमारे लिए फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है। गुना कहाँ है? हाँ वो बस आ रहा है, तो आके नमस्ते। मैं एनके खत्री। बेटा अंदर जाओ। माँ। नमस्ते सर। यहाँ किस काम से आए? हाँ प्लीज सर, अंदर बात करें क्या? ये फल रखिए आंटी। ऐसे क्या देख रही है? मैं एक रावड़ी हूँ, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने आया हूँ। तुझे पता है ना तेरे भाई की वजह से मैं क्या लेने आया? ये सब उठा और निकल यहाँ से। अरे तू चुप बैठ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, चले जाओ यहाँ से। तुम कह रहा हूँ ना, जाओ। फोन देना जरा। ये लो पापा। और कोई कॉपी है इसकी? नहीं पापा, यही है वो फोन, सारा फुटेज इसी फोन में है। बच्चों से थोड़ी शरारत हो गई, हम बड़े बात को बढ़ाएंगे, अपने बच्चों का फ्यूचर अपने हाथों से बिगाड़ देंगे। ये आपको शरारत लग रही है साहब, कि मेरी बेटी ने फांसी लगाने की कोशिश की? दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है साहब। इस केस को वापस नहीं ले सकता हूँ मैं, जो कोर्ट तय करेगा वो मुझे मंजूर होगा। आप हमें अकेला छोड़ दो साहब। मेरी फैक्ट्री से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। अखबारों में, फेसबुक पर कुछ भी बकवास आती रहती है, जिनमें सच्चाई नहीं होती। अगर सच नहीं होता तो आज मेरे घर की चौखट पर नहीं होते आप। फैक्ट्री से सैकड़ों घरों के चूल्हे जलते हैं, क्या चाहते हो? वो लोग भूख से मर जाएं और उनकी चिताएं जलें। नौकरी के नाम पर मजदूरों की जिंदगी से नहीं खेला जा सकता, जहर से बीमार कर रहे हैं सबको। एक दिन ऐसा आएगा जब सब लोग गांव छोड़ देंगे या ये दुनिया छोड़ देंगे। सरकार, अपोजिशन और मीडिया, किसी ने मुंह नहीं खोला सिवाय तुम्हारे। टुकड़े फेंकते हैं लालचियों के सामने आप, क्यों मुंह खोलेंगे वो लोग? एक गरीब मासूम होता है, जब तक वो समझ पाए कि उनके साथ क्या गलत हुआ है, यहाँ की हवा पानी सब कुछ खराब करके उन्हें खत्म कर देंगे आप। सारे दुख गरीबों की झोली में क्यों जाते हैं? एक काम करता हूँ, यहाँ नहीं सिंगापुर में इलाज करवा देता हूँ, वहाँ तुम्हारा कोई अच्छा बिजनेस भी खुलवा देता हूँ, लाइफ सेट हो जाएगी, ये ठीक रहेगा। गुना का बुला। ये सब करने के बाद मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं बोल रहा हूँ, तुम चाहो तो इसे जानवर की तरह मारो, इसका पूरा हक है तुम्हें। सर केस की जरूरत नहीं है सर,
आपका डिपार्टमेंट हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है। अब अगर इसने मेरी बात नहीं मानी ना, और फिर से अगर आपकी बेटी को परेशान किया, तो इस एरिया में क्या, इस शहर में नहीं रहने दूंगा इसे। आज के बाद इसकी वजह से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं फैसला कर चुका हूँ, इसे मैं जल्दी मुंबई भेजने वाला हूँ। केस वापस नहीं लेंगे, जो बात करनी है पुलिस स्टेशन में करो। ये सब उठाओ और निकलो। हाँ, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। सुना नहीं क्या? जाओ यहाँ से। देखो रघुपति, मैंने ये नहीं कहा कि ये सब सही है, बाकायदा गलत किया, लेकिन FIR दर्ज हुई तो टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, तेरी बेटी हर दिन उनकी सुर्खियां बनेगी। मेरी भी एक बेटी है, आज तेरी बेटी को तुमने मरने से बचा लिया। सच बाहर आ गया तो उसका मरना तय है, फिर भगवान भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए कहता हूं दोनों थोड़ा झुक जाते हैं। मेरा बेटा और उसके दोस्त आज के बाद इसकी सूरत तक नहीं देखेंगे, ये मेरा वादा है। इसका सैंडल उठा। ए, जो बोला वो कर। लो बहन, इसे पकड़ो और इस नालायक को मेरे सामने चप्पल से पीटो इसे, तभी इसे अकल आएगी और मेरा गुस्सा शांत होगा। मारो बहन, मारो इसे। देख क्या रही है, मार इसे। दिव्या, मारी नहीं, मारी नहीं, इनके जूतों से मारी नहीं। पुरुषोत्तम, हमारे मरते दम तक ये केस चलता ही रहेगा। इनमें से हर कार्ड में 25 लाख रुपए हैं, उनसे हर खुशियां खरीद सकते हो। पासवर्ड क्या है? 8888। अच्छा नंबर है, 8888। साइड में रोक। गलती की है तुमने छोटे आदमी के घर जाके। मीडिया ने उसका कद कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है, उसे हाथ लगाया तो आप MP नहीं बन पाएंगे, लोगों के बीच में अपनी साख गिर जाएगी। भाई, अब मेरी बात सुन, मैटर को यहीं पे क्लोज कर दे। काई को जाके मैं गली में क्रिकेट खेलूं? तू जिद पे आ रहा था इसीलिए मैंने वो कदम उठाया, और तेरे बाप ने जाके मुझे जूते से पिटवाया, और तो और मेरे भाई ने मेरे मुंह पे थूक दिया। तो फिर क्या करेगा अब? क्या हो गया रे इसको? ए गुना, अरे मूड क्यों है तेरा, बताना। ए अरे क्या हो गया, बोल तो सही। अब दिव्या को उठा के ले जाऊंगा। उठा दे उसको। रवि को यहाँ बुलवा, पुरुषोत्तम को उठवाना होगा।
भाई वो बस पे है। भाई आप कहाँ पर हैं? मैं बस के ठीक पीछे हूँ। सुनसान जगह देख के उठा लेंगे। ठीक है भाई। जा, जो बोला है भाई सही करना। ठीक है भाई। बस 10 मिनट रुकेगी, जैसे बाथरूम जाना है जाओ, खाना खाना है जाओ, खा लो। कुछ खाने के लिए लाऊं क्या? नहीं चाहिए। ठीक है, मैं बाथरूम हो के आता हूँ। ठीक है, आ जाओ, चाय कॉफी रेडी है। आ जाओ, आइए। क्या लेंगे सर, बोलिए क्या लेंगे? बाथरूम की तरह है, आगे जाके राइट मोड़ जाइए उस तरफ। आओ, पुरुषोत्तम। बस जाने वाली है, सब लोग आ गए क्या? मेरा साथी नीचे है, तो जल्दी जाइए, जाकर बुला कर लाइए। भैया बाथरूम का उस तरफ है साहब। पुरुषोत्तम, है पुरुषोत्तम। अरे माँ, इतनी रात को बाहर क्यों बैठी है? वो दवाई लेने गई थी, अभी तक लौटी नहीं। तू पागल है क्या? इतनी रात को उसे अकेले क्यों भेजा? तो क्या करती बेटा, दिन भर घर में बैठी थी और ये दुकान तो पास में ही है, सोचा 2 मिनट में आ जाएगी पर अभी तक नहीं आई। मैंने कई बार फोन किया पर स्विच ऑफ आ रहा है। तो रुक मैं देखता हूँ। कम ऑन। कम। ओह, चार्जिंग खत्म हो गई। द्वारका यहाँ आई थी क्या? नहीं भाई, क्या हुआ? नहीं, वो माँ के लिए दवाई लाने गई थी, अभी तक आई नहीं है। मैं दिखता। अच्छा रुको, मैं साथ चलता हूँ। मेडिकल की दुकान में गई थी, ठीक से पता किया ना? पता किया रे, आती ही होगी। भाई आज रहने देते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। द्वारका यहाँ आई थी क्या? हाँ आई थी ना, दवाइयाँ लेकर लौट गई। ठीक है, क्या बोला उसने? माँ द्वारका पहुंच गई है क्या? ये क्या, तुझे उसे लाने भेजा और तू मुझसे ही पूछ रहा है वहाँ नहीं है क्या?
दवाई लेके निकल गई है। बहुत घबराहट हो रही है मुझे। ए, तेरे पापा को फोन करूं क्या? माँ उसकी जरूरत नहीं है, मैं देख रहा हूँ, फोन रख। ब्रो आखिर हुआ क्या है? द्वारका तेरे घर नहीं आई थी ना? बोला ना नहीं आई। गुना अभी ग्राउंड में मिलेगा क्या? वही होगा वो, चल चलते हैं। कोई चोर होगा शायद, ये उस कैरियर चुराकर भाग गया। फैजल ये लो, द्वारका को कॉल कर। हम कहाँ जा रहे हैं? फैक्ट्री की तरफ, शहर के बाहर सबसे महफूज जगह है वो। ब्रो क्या हुआ? उसका फोन नॉट रीचेबल बता रहा है। नॉट रीचेबल। लेके आओ उसे। अपनी लड़ाई अगर फेसबुक और ट्विटर से लड़ता तो आज जिंदा होता। मुझे कातिल बनने पर मजबूर कर दिया तूने। ठीक है भाई। ऐ सुन भाई, लड़की भाग रही है, भाग रही है। वो क्या कहा? भाग रही है। ए, बोल रहा हूँ रुक जा। ए, रोता भाग रही है यार। ये वो लड़की नहीं है। पकड़ उसे, पकड़ पकड़। आजा आजा जल्दी। क्यों पुरुषोत्तम, तुझे डर नहीं लग रहा? किस बात का डर? ऐसी दर्दनाक मौत होने पर तो मुझे बुरी मौत मारने वाला है ना, तड़पा तड़पा के। तू भी मेरी इस बात को याद रखना, जैसे तू मुझे मारेगा वैसे ही तू भी मरेगा। क्यों आया? हाँ? कौन है ये लड़की? फैक्ट्री में लाने की क्या जरूरत थी? मर्डर होते देख लिया इसने। पेड़ के जैसे क्यों खड़े हो? चश्मदीद गवाह है ये। मर्डर इसे। ब्रो मैंने हर जगह देखा पर कहीं पर नहीं है, क्या करें? द्वारका को फिर से कॉल कर। फोन बिजी आ रहा है उसका। बिजी आ रहा है। ठीक है बैठ। प्लीज पापा उठाइए। द्वारका बेटी तुम कहाँ हो? पापा कहाँ है? जोर से बोल, आवाज नहीं आ रही। पापा मुझे सुन पा रहे? बोल बेटी। पापा मुझे सुन पा रहे हो? पापा
द्वारका बेटी द्वारका पापा मुझसे बात कीजिए अरे देखो यही कहीं होगी यही कहीं आकर कहाँ जाएगी चढ़ ना पाए देखो देखो आप रखो हेलो बेटा पोरस कहाँ हो अभी तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया क्या कह रहे हैं मामा उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ जल्दी आ जाओ बेटा आप पहुँचे मामा मैं आपसे वहीं मिलता ठीक है बेटा जल्दी आओ क्या हुआ पापा का एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट और कहीं नहीं जा सकती इन्हीं झाड़ियों में छुपी होगी अच्छी तरह से ढूंढो इस आदमी को इसने वॉइस मैसेज भेजा लेकिन फोन छीनने से पहले डिलीट भी कर दिया भाई मैं इसे जानता हूँ ये मेरे ही कॉलेज में बॉस मैसेज नहीं देख पाएगा वो देख भी लिया तो जिंदा नहीं रहेगा को सुनता नहीं छोड़ेगा मार डालेगा सबको मार डालेगा कोई नहीं बचेगा किसी को नहीं छोड़ेगा सुन लिया कह रही है कोई हमें ढूंढ निकालेगा किसकी बात कर रही है
दो इसे, देख लो। भाई देखना कौन है? मारी का फोन है। तो बात कर, स्पीकर मोड पे रख। हाँ बोलो मारी। भाई एक आया, एक फोटो फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसे टपकाना है। हाँ ठीक है, फोटो भेज। देख लिया? हाँ देखा। वो कौन है और किसने मार रहा है ये मत पूछना, ठीक 10 मिनट में बैंक खुल जाएगा, तेरे अकाउंट में 2 लाख जमा हो जाएंगे। उसका फोन ऑफ है और होने से पहले ही इसे ऑफ कर दे, समझ गया? समझ गया मारी, काम हाथ में ले लिया ना, समझो हो जाएगा। This movie download from DesireMovies.center. पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखवा के आया। अरे ये पोरस, अच्छा सुबह हो चुकी है यार, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं है यार, कहाँ ढूंढे? ए ब्रो, हो सकता है द्वारका ने मुझे भी कॉल किया हो, मैं जाके अपना फोन चेक करता हूँ। क्या घर पे ताला बंद है भाई? पड़ोसियों से भी पूछा, बताया रात से गायब है। भाई शायद वही आदमी है। अरे वही है, तक स्विच ऑफ है। केस वापस मत लीजिए, मैंने बार बार कहा, आपने तो मेरी बहन को नहीं बचाया और मुझे भी इसे बचाने से रोक दिया।
अपनी बेटी के कातिल आप ही हैं पापा। मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? एम्बुलेंस क्यों आई है? सर क्या हुआ? एम्बुलेंस में कौन था? फैजल था। फैजल? फैजल को क्या हुआ? शायद द्वारका की मौत का सदमा लगा है, नस काट के उसने अपनी जान दे दी। देखो जिसने तुम्हारी बेटी को मारा, मैं वादा करता हूँ उसे सजा दिलवा कर रहूंगा। उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है ना? सुनो सर, अभी की संतान बची है तुम्हारी, अच्छे से ख्याल रखो उसका। मेरे हाथ में कुछ नहीं है सर, पुलिस वाला हूँ, फिर भी मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया, कैसे जीऊंगा उसके लिए। पहले उसे दो बच्चों का सहारा था, अब तुम अकेले रह गए, उनका ख्याल रखना और साथ में तुम अपना भी, समझ गए ना? मम्मी, आप कमजोर पड़ जाएंगी तो हमें कौन से महलेगा बताइए? इतना रोने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना, थोड़ा सा खा लीजिए फिर जी भर के रोना। नहीं बेटा, उन्होंने भी पानी की एक बूंद नहीं मुंह में डाली। ये क्या पापा? पापा कम से कम आप तो खा लीजिए। मैंने अपनी बेटी को अपने ही हाथों से मार दिया। जब उसका फोन आया कि वो मुश्किल में है तो मैं बुरी तरह घबरा गया। अब मुझे पोरस के लिए डर लग रहा है बेटी। दो दिनों से पागलों की तरह भटक रहा है वो, उससे कहो सब कुछ भूल जाए वो। क्या कहा पापा ने कि मैं सब कुछ भूल जाऊं? पहले ही दिन से जाने दो कहते रहे और द्वारका छोड़ के चली गई। मैं कुछ नहीं भूलने वाला मैथिली, जिस दिन वो गुनाह जेल से बाहर आएगा ना उसी दिन मार दूंगा मैं उसे। यही वजह है तुम्हारे इस गुस्से की वजह से तुम अपना नुकसान ना कर बैठो, इसलिए सब डर रहे। सिर्फ वो नहीं, डर मुझे भी लग रहा है, जाने दो ना ये सब। मैं तुमसे एक बात कहूँ मैथिली, अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार, ये सिर्फ फिल्मों और धार्मिक ग्रंथों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होता। कोई पागल कुत्ता भी हमें काटे तो खुद को बचाने के लिए हम उसे पत्थर नहीं मार सकते, कंकड़ मारना भी गैर कानूनी है। पता है क्यों? क्योंकि एनिमल राइट्स वाले कंप्लेन करके अरेस्ट करवाएंगे तुम्हें। दूसरी ओर अगर बीच सड़क पर किसी आदमी को चाकू भी मार दो ना तो भी ना लोग बचाने आएंगे ना पुलिस आएगी। आज के जमाने में अगर पावर हो, पैसा हो, नेताओं का सर पे हाथ हो तो पूरी दुनिया झुक के सलाम करती है, ऐसे लोग जुर्म भी करे तो दुनिया आंखें बंद कर लेती है। कानून, अदालत, पुलिस, इनसे उम्मीद करना फिजूल है। उस गली में मत जाओ, वहाँ गुंडे, इस तरफ मत जाना, ये भाई का इलाका। अरे गलती से भी गुंडों से मत उलझना वरना तुम भी गुंडे कहलाओगे। तुम बस केस वापस ले लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पुलिस की कोई जरूरत ही नहीं है। बेटे का नाम पोरस रखा और जंग पे नहीं जाने दिया, यहाँ कुछ नहीं बदलेगा मैथिली, एक ना एक दिन हम सबको मरना ही है। मेरे पापा को ये कौन समझाएगा? अगर उनसे नहीं लड़ूंगा तो अमर हो जाऊंगा क्या? कभी नहीं मरूंगा मैं।
सवाल ये नहीं है कि मैं जीऊंगा या मरूंगा, मैं नहीं देख सकता उन्हें जुल्म करते हुए। एक कायर की मौत मरने से अच्छा है कि उन लोगों के साथ लड़ते लड़ते ही मर जाऊं मैं। द्वारका, मार डालो उसे। पर मैं यहाँ पे सुबह आज अगर गौतम बुद्ध भी अवतार लेते ना तो उन्हें भी गुस्सा आ जाता। फिर मैं तो आम इंसान हूं, मैं नहीं लड़ाना तो यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। हाँ बोल, क्या हूँ ये भाई? अगर घर में है तो टीवी ऑन करना। क्यों? क्योंकि तेरे बहन की न्यूज आ रही है टीवी पर। क्या कह रहे हो? अरे पहले जाके न्यूज ऑन करना। क्या हुआ? अरे द्वारका मर्डर केस में एक नया खुलासा हुआ है। जवान लड़कों को प्यार के जाल में फंसाकर उनसे पैसे हड़पती थी, गुना ने बदला लेने के लिए उसे मार डाला। सिर्फ गुना ही नहीं, उसने फैजल को भी अपना शिकार बनाया। सुबह 6:35 पर फैजल ने भी नस काटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अभी भी इस केस की छानबीन में लगी हुई है। हो सकता है द्वारका ने मुझे भी कॉल किया हो, मैं जाके अपना फोन चेक करता हूँ। बेटा 7 बज गए हैं, तुम्हें घर जाना चाहिए। भगवान करे तुम्हारी बहन मिल जाए। नहीं, नहीं। बोलो बेटा पोरस। आपके पास फैजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? हाँ है ना बेटा। तब आप मुझे उसके मौत का एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं क्या? 2 मिनट रुको बेटा। हाँ बोलिए मामा। ठीक 6:35 पर उसकी मौत हुई है। 6:35? मामा जब आपने द्वारका की खबर दी उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। फैजल, उसकी मौत उससे पहले कैसे हो सकती है? द्वारका की मौत की खबर सुनने से पहले ही वो अपने हाथ की नस क्यों काटेगा? हाँ ये बात तो है सर। कल फैजल के घर से 2 आदमियों को पीछे की खिड़की से उतरते देखा। इसी रास्ते से भागे थे। मुझे कल का फुटेज दिखाना। कितने बजे का? सुबह 6:35 का। ये देखिए ये। एक मिनट फ्रीज करना। सर 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 यही दोनों हैं। दोस्त हाँ? उनके चेहरे पर जूम इन करना। हाँ? यही रोकता है। अरे पोरस, हमें भी यही लगा था कि उसने सुसाइड किया। हमने वही देखा जो उन्होंने दिखाया। तो अब क्या करें? पुलिस के पास जाएं? पुलिस के पास? तूने देखा नहीं?
उस एक्सीडेंट केस में उन्होंने किसी निर्दोष को फंसाया, वो लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करेंगे, उसी की पगार लेते हैं, वो नहीं तो और कौन ढूंढेगा? हम ढूंढेंगे, मैं ढूंढूंगा उन्हें, पुलिस बनने तक इंतजार करूं, उन्हें पकड़ के पुलिस बनूंगा। ए पोरस, अरे मेरी बात सुनिए यार, जोसेफ है। महानगर में इसका घर है। गुंडा एक्ट में दो बार अरेस्ट हो चुका है। इस पर चार चार मर्डर का केस भी है। जोसेफ से मिलना था, मैं शहर से आया। क्यों मिलना है? आप उसे बुलाइए, मैं उसी से कहूंगा। यहाँ कोई जोसेफ नहीं है। अरे ये कौन है? पता नहीं, तुमसे मिलना है कह रहा है। और पता है, चेन्नई से बुलेट पर आया है। क्या कहा? चेन्नई से बुलेट पे है? बात करने में थोड़ा पुलिस वाला जैसा लग रहा है। पुलिस वाला है, बुलेट पे आया है, तो फिर बुलेट पे जाने की आवाज क्यों नहीं आई? जोसेफ, ए, ए, जोसेफ कहाँ जा रहे हो? अरे मारी ने मुझे 2 लाख दिए और बोला कि मार डाल, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता भाई, कुछ भी नहीं पता, सच कह रहा हूँ। मारी कहाँ मिलेगा मुझे? नहीं पता, बता दो अभी बाजू के ठेके पे होगा। भैया
मारी तो मारी वो ब्लैक शर्ट वाला मारी। क्या बात है? तू मारी है? मैं नहीं हूँ। उस तरफ वहाँ देखो, वहाँ बैठा है वो शायद मारी। हाँ वो है मारी। क्या तू मारी है? इंक्वायरी करने वाले मास्टर, इन 16 लोगों में कोई एक मारी है। असली मारी का पता लगाने तक तेरा पत्ता कट चुका होगा। तुम में से जो भी मारी है वो मेरे सामने आ जाए। अगर तू सामने नहीं आया तो तेरा पता लगने तक इन सबको मारूंगा। ए? क्या कहा तूने? हम सबको मारेगा? फैजल को क्यों मरवाया बता? मुझे नहीं पता। मुझे ये काम मोहन ने दिया। अकाउंट में 4 लाख जमा भी करवाए, 2 लाख कमीशन लेके काम किसी और से करवाने को कहा। मैंने जोसेफ को भेजा, उसे क्यों मारना था मैं नहीं बता सकता, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तेरे अकाउंट के डिटेल्स लिख। क्यों? क्या हुआ? कहाँ गायब हो गए? कई अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए। जोसेफ ने मारी का नाम लिया, मारी को मोहन ने पैसे दिए। किसी को नहीं पता कि पैसों का मेन सोर्स कौन है। ये फोटो वाला आदमी कड़ी से कड़ी जोड़ रहा है, जोसेफ मर चुका है, मेरा नाम बता दिया है। बहुत बुरी तरह से मुझे मारा है मोहन, तुम्हारा नाम लेना पड़ा, वो तुम तक पहुंचने ही वाला है।
सबके अकाउंट डिटेल्स भेज रहा हूँ। इन अकाउंट्स के सारे ट्रांजैक्शंस चेक करो, पता लगाओ कोई कॉमन लिंक है। ये फोटो वाला आदमी कड़ी से कड़ी जोड़ रहा है, जो सब मर चुका है, मेरा नाम बता दिया है। बहुत बुरी तरह से मुझे मारा है मोहन, तुम्हारा नाम लेना पड़ा, वो तुम तक पहुँचने ही वाला है। सर, ये आदमी हम तक पहुंचने की कोशिश में है। उस लड़की ने कहा था उसका भाई जरूर बदला लेगा, ये वही है। रवि को कॉल कर। हाँ बोला नवर। रवि बॉस, इस वक्त वो कहां पर है? मोहन से मिलने विजयनगर जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। सिस्टर सर, विजयनगर के मोहन ने अनबू को पूरे 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं, सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हैं। तूने सुपारी किसको दी थी? अतुल, श्यामनगर वाला। मैथिली, मनी किसका नाम लेने वाला है? नवा कल सिवान वाला। क्या हुआ? उसे वहां से उठा लो। ठीक है मैथिली, उसरी से डेबिट ने नमक्कल के सिवान के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। रवि पूछ रहा है कि करना क्या है। रवि, इस जंजीर की आखिरी कड़ी में किसका नाम है? अपनी गोमती का। गोमती से पूछा तो वो मेरा नाम लेगी बॉस। तुझ पर पूरा भरोसा है मुझे रवि, उसके और मेरे बीच तुम्हें दीवार बन के रहना है। सारा कैश पहले रवि के अकाउंट में डिपॉजिट किया गया था, आधे घंटे के अंदर अंदर, और वो सारा पैसा पूरे नेटवर्क में बांट दिया गया। रवि के पास हर सवाल का जवाब होगा, तुम जल्दी से चेन्नई आओ। मैं आ रहा हूँ। उसका अगला टारगेट रवि है, उसकी हिफाजत करनी होगी हमें, वो उस तक ना पहुँचने पाए। समझ गए? ओके सर। दादी, रवि का घर किस तरफ? रवि का घर वो सामने बस्ती दिख रही है, बस उसी में। भाई रवि कहाँ रहता है? वो वहां पर है। चला।
कोई तो रो रहा है। क्या हो गया? माजी क्या हुआ? हम क्या करेंगे? कैसे क्या चल चल। क्यों भाई, अब इससे आगे क्या क्या सोच रहा है तू? रवि की मौत के बारे में? रवि मरा नहीं, उसे मारा गया। क्या मतलब है तेरा? हम उसका गला पकड़ नहीं वाले थे कि ठीक है, वक्त पर वो मर गया। तो इसका मतलब क्या है? इसके पीछे कोई है जो नहीं चाहता कि हम रवि से कोई सवाल पूछे। अबे सब कुछ बाउंसर जा रहा है मेरे। कोई बड़ा आदमी है जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, जिसने रवि को सुपारी दी फैजल को जान से मारने के लिए। यानी ए ने पैसे दिए बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, और सबसे आखिर में सुपारी लेने वाला इंसान था जोसेफ। जैसे हमने इसे पकड़ा तो इसने इसका नाम लिया, इसने इसका नाम लिया, और इसने इसका नाम लिया, इससे पहले कि हम गुनहगार को पकड़ पाते। यानी उस आदमी को जो पर्दे के पीछे से पूरा खेल खेल रहा है, उन्होंने इसे टपका दिया। रवि? सिर्फ रवि ही जानता था मास्टरमाइंड कौन है। अगर आज रवि हमारे हाथ लग जाता ना, तो द्वारका के कातिल का पता लगता। फैजल को मारने के लिए इतना झंझट कैसे? लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है भाई, इस सब अपराधों के पीछे कोई तो बड़ी मछली है। चाहे वो शार्क हो या वेल, कितना भी ताकतवर, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, उसे समंदर की गहराई से ढूंढता। क्या नाम बताया था उस लड़के का? पोरस। फिर से बोलना। पोरस। पोरस। परिवार का कोई भी सदस्य मर जाए तो कोई भी इमोशनल हो सकता है, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद तो कम होने लगता है, अपने काम में लग जाता है वो। लेकिन ये आदमी हमारे पीछे पड़ चुका है, उसका डर खत्म हो चुका है भाई। घर में किसी की मौत हो जाए तो जरूरी नहीं कि दूसरा नहीं मर सकता। इतनी कम उम्र में मरने का खौफ नहीं नौजवानों को? अपने बारे में ना सही, बुढ़े माँ बाप का क्या होगा, ये फिक्र तो होनी चाहिए ना। हमें पाप करने पर मजबूर करते प्रचने लगे चर्च को कोई पाव मुन कटा एला सर आई। क्या हुआ रे भाई? तलपति है फैजल, उसका फोन, वो फोन पुलिस के रिकॉर्ड में मिला था। कोई आइडिया नहीं है मेरे को, लगता है द्वारका की मौत का फैजल की मौत से कोई ना कोई कनेक्शन होगा। सुन, गुना ऑलरेडी द्वारका को मारने का गुना कबूल करके जेल जा चुका है। जिस रात द्वारका गायब हुई थी उसी रात पापा का एक्सीडेंट भी हुआ था। फैजल अपना फोन लेने के लिए घर गया था और मैंने गुस्से में द्वारका का नंबर ब्लॉक कर दिया था। तेरी समझ में आ रहा? क्या द्वारका की मौत का फैजल के फोन से कोई कनेक्शन है? अगर वो फोन हाथ लग जाए तो सारी रात से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन वो फोन मिलेगा कहाँ? इंस्पेक्टर राजन उसके पास है, तो सीधे पुलिस स्टेशन चल जल्दी से। चल कहा ना देख लेंगे उसको। हाँ ठीक, चलो रखता हूँ फोन। फैजल की मौत कैसे हुई? सुसाइड। सुसाइड था ये आपने कैसे देखा? अरे वो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था। सर आपकी डेथ सर्टिफिकेट बनवा के दूं क्या? सर अगर फैजल ने सुसाइड किया है तो जरूर उसकी भी रही होगी। मुझे फैजल का फोन चाहिए। फोन नहीं था उसके कमरे में। किसी की मौत हुई है, उसका फोन गायब है, दो लोगों को उसके घर में घुसते हुए देखा गया और आपने सुसाइड कह के केस बंद कर दिया। सर ये चाय नीचे रखिए और केस फाइल फिर से खोलिए। देख भाई
ये चाय मैंने रख दी है, लेकिन केस रीओपन करना मेरे बस में नहीं है। रिक्वेस्ट ऊपर भेजनी होगी, ऑफिसर की परमिशन चाहिए। इसका एक प्रोसीजर होता है भाई। पुलिस ज्वाइन करने वाले हो, तुम्हारे पापा पहले से पुलिस में हैं। जाकर पूछ, समझा देंगे। देखो ये सब हम पर छोड़ दो। तुमने कहा ना कि दो आदमी घर के अंदर घुस गए थे। इन दोनों चोर को कहीं से भी ढूंढ के सलाखों के पीछे डालने का काम मेरा है बेटा। वो भी आपसे नहीं होगा सर। मुझ पर भरोसा नहीं? वो इसलिए क्योंकि वो मर चुके हैं। ये बात सच है कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी बहन के कातिल और फैजल को मारने वाले को, उस हत्यारे को ढूंढ निकालूंगा। आपको ऊपर वाले पे भरोसा है? है ना? तो उससे दुआ मांगिएगा कि उन दोनों के कातिल मेरे हाथ न लग जाए। एक जुर्म को छुपाने के लिए हमें कितने जुर्म करने पड़ते हैं, ना चाह कर भी। एमपी पोस्ट हमारी तीन पीढ़ियों का सपना है। अब यह हमारे ऊपर है कि उस कल के लौंडे को हमारे खिलाफ कोई सबूत ना मिलने पाए, उसके सपने में भी मेरा नाम ना आने पाए। समझ गए? एक बार फिर सोच लेना। लड़की को मारने के बाद वहाँ कोई सबूत तो नहीं छोड़ा? लगता है ये तेरा काम आसानी से करके दे सकता है। नमस्ते साहब, काम हो गया ना? अरे भाई बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती है। आजकल अबे इससे तेरी तारीफ के पुल बांध रहा था, कर सकता कि नहीं जल्दी से बताना। दूंगा ना। तो करना फिर। क्राइम एरिया जहाँ पे जुर्म हुआ, क्राइम नंबर, कॉपी, केस फाइल करने वाले ऑफिसर का लेटर, इन सब के मिलने के बाद ही ऑफिशियली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कार्तिक तू मेरी सिचुएशन समझ, उस फोन में क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, प्लीज हेल्प कर दे। लीगल वे में करना बहुत रिस्की होगा, ऊपर से डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स का सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है। डाटा रिकवर करने जाऊंगा तो पहले वाली फाइल्स करप्ट हो जाएगी। मेरे हिसाब से हमें आउटसोर्स करना चाहिए। हैकर्स, हैकर्स के पास आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, द्वारका का लास्ट कॉल किस टावर से आया था उतना पता लगा सकते हैं। क्यों भाई, हैकिंग के लिए भी परमिशन चाहिए होती है क्या? तुझे परमिशन मिलने तक और 4-5 मासूम लड़कियों की हत्या हो चुकी होगी। ठीक है चलो मैं तुम्हें एक हैकर से मिलवाता हूँ। बोलो ब्रो। यार एक जरूरी बात करनी है तुमसे। ब्रो मेरी दादी की डेथ हो गई है, कल बात करें क्या अपन? जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे घर के बाहर ही खड़े हैं। ठीक है ब्रो मैं बाहर आ रहा हूँ। थैंक्स ब्रो। मैं अभी आता हूँ। सॉरी ब्रो, एक्चुअली इमरजेंसी थी इसलिए इस समय पे डिस्टर्ब करना पड़ा। ये मेरे फ्रेंड्स हैं। हाय। हेलो। क्या हुआ? इसकी बहन की और इसकी बहन की बॉयफ्रेंड की भी जो भी कम्युनिकेशन हिस्ट्री है वो इसे चाहिए थी। अभी ये कैसे पॉसिबल होगा? अच्छा जरा बहन का फोन दो। अब फोन चोरी हो गया है। फिर तो ये बहुत मुश्किल है। ए भाई बहुत अर्जेंट है भाई, तो अपनी बहन से पूछो ना कि क्या मैसेज आया। भाई बहन मर चुकी है। दादी की उम्र क्या है तुम्हारे? 75 के ऊपर। इसकी बहन 21 साल की थी, तो इसकी पीड़ा समझो। पुलिस स्टेशन में सड़कों पर सुबह शाम रात बस पागलों की तरह भटक रहा है। सॉरी ब्रो, फोन होता तो रिकवरी ऑप्शन से मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था। बिना फोन के बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देख तू तो जानता है ना इस प्रोसेस में टाइम लगता है। जानता हूँ ब्रो, बट तुम कर लोगे, एक बार ट्राई करके तो देखो ना। देखो इंटरनेट के रिकॉर्ड्स डेटाबेस में जाके हो जाते हैं और डेटाबेस की सारी इन्फॉर्मेशन क्लाउड में सेव होती है। क्लाउड स्पेस होता है। अभी कुछ भी समझ में नहीं आया, ये बताओ डिटेल्स कब मिलेंगे? कल सुबह मेरे दादी का अंतिम संस्कार है, उसके बाद मैं कर दूंगा। द्वारिका के मोबाइल का आखिरी सिग्नल उस रात पारानूर के जंगल में ट्रेस किया गया। पारानूर जंगल से?
पुरुषोत्तम का नेकलेस है ना। चलो मुझे गुना से मिलने के लिए एक एप्लीकेशन देना है। दे दूंगा। राजन को यह पता लगना चाहिए। ठीक है, लग जाएगा। बावला हो गया है पोरस भी। चैन से नहीं बैठने देगा मुझे एक मिनट में। क्या बड़बड़ा रहे हो? उसकी बहन की मौत मेरे लिए टॉर्चर बन गई है। गुना से मिलने के लिए पिटीशन फाइल कर रहा है। मुझे नौकर समझा है क्या? ठीक है जाफ। औरस बता दिया मैंने। थैंक यू मामा। किससे मिलना है? सर गुना से मिलना है। वही जो लड़की के केस में पकड़ा गया है? हाँ वही सर। नहीं मिल सकते, उसके फैलाए रास्ते को मैं सुबह से समेट रहा हूँ। उतरो बेटा, पहले जाके पैर धोना। कितना हुआ? 30 रुपया भाई। ब्रो तुम आ गए, ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? कोई बात नहीं दोस्त, वो फोन के डिटेल्स मिल जाते तो। सॉरी ब्रो, रियली सॉरी। तुम 10 मिनट वेट करो, मैं नहाने के बाद फिर से ट्राई करता हूँ। ठीक है। हाँ थलपति बोल। अरे आज सुबह गुना ने बिजली का तार मुंह में ले लिया। क्या बकवास कर रहा है? अरे मर चुका है वो ब्रो। कॉल करता हूँ तुझे। कुछ मिला क्या? सॉरी ब्रो, मुझे लगा कि ये छोटा सा काम है, लेकिन किसी ने पहले ही सर्वर को हैक कर दिया है और इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी है। किसी ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है ताकि तुम्हें इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए। एक चपाती और ले लो। बोलो। सर सर्वर हैक करके डेटाबेस डिलीट कर दिया, अब बड़ा से बड़ा हैकर भी डेटा रिकवर नहीं कर सकता। सर उस पिल्ले को अब तक जिंदा क्यों रखा है? कहिए तो बाहर से लड़के बुला के उसका गेम खत्म कर दूं। मामूली सा मच्छर है वो। क्या बोला? मामूली सा मच्छर है। तिरुनलवल्ली में 16 लोगों ने एक साथ उस पर धावा बोला, पर क्या हुआ? सब के सब हॉस्पिटल में पड़े, आज तक डिस्चार्ज नहीं मिला उन्हें। उसे हाथ लगाया तो या तो तुम मरोगे या तुम्हें सच बताने के लिए मजबूर कर देगा। राजन सर, चूहा खतरनाक होता है या फिर चूहे को निकलने वाला सांप? मेरे हिसाब से सांप खतरनाक है। नहीं, चूहा खतरनाक है। सांप का पेट एक चूहा भर देता है, पर चूहा पूरा खेत साफ कर जाता है। कुछ समझा गया? उसे इग्नोर किया तो वो कहीं से सबूत निकालेगा और मीडिया को दिखा देगा, फिर मेरा पूरा साम्राज्य ढह जाएगा। मेरा बाप एमपी नहीं बना तो वो मर जाएगा। एमपी बनने तक उसे रोकना होगा। वो मुझ तक ना पहुंचने पाए उसके लिए मैंने एक प्लान सोचा था, लेकिन तुमने आज गुना को मार के शक की सुई को मेरी तरफ घुमा दिया। इस जाल को हमने ही बिछाया था और तुमने हमें उसी में फंसा दिया। हम खुद ही चलकर उस जाल में फंसे हैं। तो क्या हम लोग फंस जाएंगे? सबसे पहले तुम, उसके बाद वो और फिर मैं। इस झंझट से निकलने का कोई रास्ता नहीं क्या सर? है ना, अब एक ही रास्ता बचा है, एक आखिरी बलिदान देना होगा किसी को। शुभ काम में देरी क्यों सर?
रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, पैसों की लालच में बहुत बड़ी भूल कर बैठा। रिटायरमेंट के बाद लोग मेरा नाम इज्जत से ले, ऐसा कुछ कीजिए सर। बिना आवाज के मत। हाँ, कल पार्टी ऑफिस में तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवा दी है, बड़ी मुश्किल से लिस्ट में तुम्हारा नाम डलवाया है। सेक्रेटरी मैं पोस्टेड हूँ, इसीलिए मदद कर पा रहा हूँ, ऐसा मौका मत गंवाना तुम। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। सुनो, कल पार्टी ऑफिस में मीटिंग है, सूरज ढलने के बाद नहीं दिखना चाहिए वो। पेपर पर साइन करते ही उस चूहे को मैं निकल जाऊंगा। नाक में दम कर रखा था, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये क्या माँ? चूहे दानी है बेटा, चूहा फंसा है इसमें। अब क्या करोगे इसका माँ? करना क्या है, पानी में डुबो के मार दूंगी। क्या है माँ? पाप लगेगा मुझे तो। ए पोरस, घर से कहीं दूर छोड़कर आना इसे। द्वारका, फैसल, जोसेफ, रवि और आज इंस्पेक्टर राजन। ए पोरस, क्या सोच रहे हो, अब तुम क्या करोगे? तुमने एक बात नोट की मैथिली, मैं जिसके पास भी जाता हूँ मुझसे पहले कोई वहां पहुंचकर सबूत और गवाह दोनों मिटाता है। वो हैकर ये आखिरी उम्मीद थे, पर उसने भी हाथ खड़े कर दिए। उसने पूरी कोशिश की पर डेटा डिलीट हो गया था। गुनहगार कितना भी चालाक हो, गलती से कोई ना कोई छोटा सा सबूत छोड़ ही जाता है, लेकिन ये गुनहगार चालाक है। पता नहीं मैं कभी उस तक पहुंच पाऊंगा भी या नहीं। तुम उसे ढूंढ लोगे। उस चूहे को देख रहे हो? ये चूहे अपने छोटे छोटे पैरों से बिल खोद कर किसी भी घर में घुस जाते हैं, लेकिन वही चूहे कभी कभी आधे इंच की लकड़ी में भी होल नहीं कर पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दिमाग में बहुत टेंशन होता है। अगर बिल्ली ने पकड़ लिया तो, अगर किसी ने देख लिया, इन सब बातों का प्रेशर। अगर वो शांति से बैठकर सोचेगा तो आराम से छेद कर लेगा। तुम इस वक्त वही चूहा हो जिसे लग रहा है कि वो फंस गया है। शांति से बैठकर सोचोगे कि तुम्हारी बहन को उन्होंने क्यों मारा होगा, कि फैजल की मौत क्यों हुई, तो तुम उसे ढूंढ लोगे। तुम उसे ऐसा नहीं छोड़ सकते, समझे? हम मिलकर लड़ेंगे। ए पुरुष, सारी दुनिया तुम्हें एडवाइस तो देगी ही, लेकिन कोई तुम्हें प्रॉब्लम का सलूशन नहीं देगा। तुम्हें खुद उसे ढूंढना होगा। मारी, मारी, मारी ने मुझे 2 लाख दिए और बोला कि मार डाल। आज सुबह गुना ने बिजली का तार मुंह में ले लिया। द्वारका के मोबाइल का आखिरी सिग्नल उस रात प्रणूर के जंगल में ट्रेस किया गया है। देखो, मौज मस्ती का मूड हो, पैसे दे के लड़की बुलवा लिया करो। किडनैप करने की क्या जरूरत थी? उसे उठाने नहीं गए, दूसरी लड़की ले आए। हाँ? और क्या करता है? क्या कहा तूने? हाँ भाई, दिव्या नाम की लड़की को उठाना था। आप डांटेंगे इसलिए नहीं बताया। अपने दोस्तों से बात करवा। सुन रहे, उस दिन क्या हुआ था बोल। भैया, हमारे पास कृष्णा और दिव्या का एक वीडियो आया था, उसे हमने ब्लैकमेल किया। उसने पुलिस में कंप्लेन कर दी थी। केस को खत्म करने के लिए हम लड़की के घर गए थे, लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं मानी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो गौतम के पापा ने उसे चप्पल से हमें मारने को कहा था, और उसने एला को भी जूतों से मारा था। कोई आवाज है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा, क्या आवाज है? माँ, मेडिकल स्टोर जाकर आती हूँ। एक और आवाज थी। मेडिकल स्टोर गई थी, अभी तक लौटी नहीं। एक और आवाज।
हाँ आई थी ना, दवाइयां लेकर लौट गई। एक और आवाज है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा। किसकी आवाज थी वो? क्यों याद नहीं आ रहा है? किसकी आवाज? कौन था वो? कौन था वो? कोई चोर होगा शायद, जो उस गैरियर चुराकर भाग गया। द्वारका मेडिकल स्टोर गई, फिर वहां से घर वापस आ रही थी। कोई फ्यूज कैरियर चुरा ले गया और उसके बाद गौतम, तूने उसे कहां से किडनैप किया? भैया मैंने उस लड़की का पीछा किया था। ये बताओ, उसे इस बात की खबर थी? मुझे देख लिया और वो बहुत डर गई और तेजी से चलने लगी। सड़क के किनारे खड़ा था, एला को बताया मैंने कि वो आ रही है। डैनी, आगे क्या हुआ था बता। फिर मैं और एला सड़क के बीच में खड़े थे। जब लिविया को पास में आते देखा तो एला ने कहा कि स्ट्रीट लाइट ऑफ कर दूं मैं, और मैंने स्ट्रीट लाइट ऑफ कर दी थी। माइक, लड़की ने गौतम को देख लिया था, उसे देख कर घबरा गई थी वो। किसी सेफ जगह गई होगी वो। एला, क्या आसपास में कोई घर या फिर दुकान थी क्या? याद करो। वहां एक मेडिकल स्टोर था, वो जरूर उसी में गई होगी। सबूत ढूंढने के लिए अगर पोरस वहां गया तो सीसीटीवी फुटेज में उसकी बहन के साथ दूसरी लड़की दिव्या भी दिखाई देगी। उससे पूछेंगे तो सब पता चलेगा। अगर दिव्या पकड़ी गई तो किसका नाम लेगी? आपके भाई का नाम लेगी सर। अगर भाई पकड़ा गया तो हम सब पकड़े जाएंगे। वो उस तक पहुंचे उससे पहले ही उस लड़की को उठवा लो। इतनी डरी हुई क्यों है? मुझे नहीं पता, मैंने पूछा, उसने कहा वेट करेगी, पापा लेने आएंगे। मैं अपने काम में बिजी हो गया। तुम जानते हो ये कहाँ रहती है? पास ही में है, अगली गली का चौथा मकान है। भैया, दिव्या का घर यही है? हाँ भाई, घर पे ताला लगा है। आपको पता है कहाँ गए? कोचिंग सेंटर गई होगी। आप बता सकते हैं कोचिंग सेंटर कहाँ है? नहीं मालूम। अच्छा, क्या आपके पास उसका फोन नंबर होगा? हाँ वो तो है। आज का लेक्चर बहुत बोरिंग था ना? हाँ, आज बहुत लेट हो गया ना? अच्छा सुन, मुझे नोट्स ना मेल कर देना। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी। ओके बाय, गुड नाइट। बाय। क्या यहाँ आती है वो? हाँ भाई। नाम क्या है उसका? दिव्या। यहीं पर रुकना, जाकर देखता हूँ मैं। किससे मिलना है आपको? दिव्या से। क्लास खत्म होती है वो तो चली गई। कब निकली वो? अभी कुछ 10 मिनट पहले। हेलो दिव्या। हेलो। मेरा नाम पोरस है, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक जरूरी काम है। हेलो दिव्या, मेरी आवाज़ आ रही है। हेलो, क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा फोन बैटरी लो है, जो बोल रहे हैं जल्दी बोलो। हेलो हेलो,
हेलो देखने में ये बिल्कुल एक्सीडेंट लगना चाहिए, बस तुम दूर से लड़की को पहचान लेना, समझ गए ना? समझ गया। भाई ये तो वही लड़की है। ए, टारगेट हमारे बिल्कुल सामने है, कोई सबूत मत छोड़ना, समझे? ठीक है भाई। मुझे तुमसे एक बात जाननी थी, उस दिन मेडिकल स्टोर पे पहुंच गए, सब ठीक हो जाएगा। मेरी तरफ देखो दिव्या, उस दिन क्या हुआ था मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। उस दिन मेडिकल शॉप में तुम क्यों डरी हुई थी? डॉक्टर आ रहे हैं दिव्या, वो तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। दिव्या आंखें खोलो, दिव्या कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। दिव्या घबराओ मत सर, बाहर वेट कीजिए ना प्लीज। दिव्या प्लीज, please,
डॉक्टर वो ठीक तो है ना? मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जब जब वो मर चुकी है अब कभी नहीं उठ पाएगी। मैं हार चुका हूं, तुमने सुना ना? हम जीत चुके हैं, सेफ हो गए हैं हम लोग, अब कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं बताया उसने और ना बता सकेगा। आज आपका बर्थडे है, इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है? केक काटिए बॉस। हैप्पी बर्थडे सर। It's the best birthday gift for you, sir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. भैया, मैं मरने वाली हूँ। मेरी मौत की वजह कोई और नहीं, वेदा केमिकल फैक्ट्री के ओनर इनके खतरी है। एला और उसके दोस्तों ने मुझे किडनैप किया, सब मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी। भैया मैंने देखा कि इनके खतरी ने पुरुषोत्तम का खून कर दिया, मुझे मारने के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं। बहुत डरी हुई हूँ भैया, मुझे बहुत डर लगी। मैं बाहर छुपी हुई हूँ, वो इंसान नहीं जान दे रहे भैया, मुझे देखते ही मुझे बाहर डर लगी। भैया भैया किसी को मत छोड़ना, मम्मी पापा का ख्याल रखना। पापा डांटे तो उनकी बातें सुन लेना भैया, प्लीज उनसे कुछ मत कहना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और माँ से कहना कि डायबिटीज की दवाई लेती रहना, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ भैया, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। क्या हो गया बताइए क्या करना है बॉस? क्या कर सकते हो तुम लोग, सब कुछ खत्म हो चुका है, उससे लड़ना ही होगा और कोई रास्ता नहीं। वो यहां पहुंचे उससे पहले ही मैं उसे खुद यहां बुलवाऊंगा। पापा, पापा से मिलना है, वहीं आ जाओ जहां तेरी बहन मरी थी। औकात क्या है तेरी? हाँ? कार का दरवाजा खोलकर सैल्यूट मारने वाला नौकर, तेरे बेटे की वजह से तुझ जैसे तुच्छे को यहाँ उठाकर लाना पड़ा मुझे। तेरा बेटा शांत नहीं बैठ सकता, मेरे पीछे ही पड़ गया है वो। तुझे पता है कि नहीं, तेरी बेटी को मैंने ही मारा था, उसने वो देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था, इसमें मेरी क्या गलती? वैसी दरिद्रा है तू, मेरी मासूम बच्ची को मार डाला।
मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरा अंतिम समय आ गया है, मेरा बेटा आ गया, वो तुझे मार डालेगा। आ जा बेटा। मेरा जिगर का टुकड़ा, आ जा मेरे पास, आ जा, आ जा, आ जा मेरे बच्चे। यही है वो दरिंदा जिसने हमें बर्बाद किया। तुम्हारी बहन का कत्ल इसी जानवर ने किया है, और ये बात ये मुझे हंस हंस कर बता रहा था। हिम्मत है तो आ जा, हर जगह हर वक्त दिन हो या रात मुझे ही ढूंढ रहा था ना, पता लग गया ना मैं कौन हूँ। पुलिस में तुझे होना चाहिए था पोरस। गौर से देख, वो कातिल मैं ही हूँ। हाँ पप्पे, मुझे रोक रहे हैं पापा। अब तक मैं तुझे रोकता रहा बेटा, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आज अगर इन्हें छोड़ दिया तो जैसे इसने हमें बर्बाद किया वैसे ही ना जाने कितनों को करेगा। परस, तू पुलिस वाला बने या ना बने परवाह नहीं, लेकिन इन सब के कब्र यही खुदनी चाहिए। आज मौत का तांडव देखना है, मार दो, जाओ खत्म कर दो इन सबको। आजा आजा आजा। एक मामूली चींटी ने हाथी को ललकारा है। कल का छोकरा मुझसे टक्कर लेने चला, मुझे देखना चाहता था ना। तसल्ली मिल गई तो जैसों के लिए मैं यमराज हूँ। में चींटी घुस जाए तो हाथी को भी मार सकती है। आज भी वही होगा, जब किसी आम इंसान को गुस्सा आता है तो तुझ जैसों की। जानवर की तरह मारा था तूने, आज के बाद किसी लड़की को छू भी नहीं पाएगा। अरे छोड़ ना, क्या कर रहे हो? अरे नहीं भागो भाई। अरे
मेरे भाई को अगर कुछ हुआ ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। भाई को मरता देख तकलीफ हो रही है ना, जब तुम सबने मिलके मेरी बहन को मारा था उसे कितनी तकलीफ हुई थी। इस बारे में भी तो सोच कि अब पुलिस में कैसे जाएगा। हाँ, तेरी लाइफ खत्म। बोलो भाई। सेल्वम भैया, अगर गुनाह की मौत का बदला लेने का मैं आपको एक मौका देता हूँ तो क्या आप उसका फायदा उठाएंगे? तड़प रहा हूँ उस मौके के लिए। एड्रेस भेज रहा हूँ, पहुँच जाइएगा। भाई, लाइफ में बहुत पाप किया है, आज एक मौका मिला है कि अपने सारे पाप धो डालो। आप जाके पुलिस ज्वाइन कर लो। अपने इस आखिरी गुनाह का कोई भी सबूत नहीं छोड़ूंगा। सर, बेटा 3 महीनों से मिसिंग है, अब तक क्या एक्शन लिया है आपने? आज पुलिस वाला सेफ नहीं है। मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर, इस वक्त तुम अपने सीनियर से बात कर रहे हो, तुम अकेले नहीं हो। जिसका बेटा गायब हुआ है इस समाज का एक बड़ा रसूखदार आदमी है वो। टोटल 16 मिसिंग केस है, किसी भी केस का छोटा सा क्लू तक नहीं मिला। वो जिंदा भी है या मर चुके हैं कुछ नहीं पता। अगर मर चुके होते तो कहीं ना कहीं से उनकी बॉडी बरामद होती।
इन सब के पीछे कोई मास्टरमाइंड है। कौन है वो, क्या किया था उसने, हम नहीं जानते। But I will find him. I will find him. May I come in, sir? Come in. सर, ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं सर। पोरस, इसका मतलब? पुरुषोत्तम नाम से पोरस रखा है सर। जब राजा अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण कर रहा था, तब उसने युद्ध में एक बड़ा हाथी लाया। अलेक्जेंडर की उस सेना को हराने वाले वो भारत के एक महान राजा थे सर। इंटरेस्टिंग। इस युद्ध की तैयारी शुरू कर दो। यस सर। हाँ, मीट आवर SP मिस्टर गौतम। इन्हें जानता हूं सर, इनका बेटा 3 महीनों से गायब है, न्यूज में देखा मैंने। हर बात की खबर रखते हो यंग मैन। यस, बाय द वे योर अपॉइंटमेंट ऑर्डर। हाँ, ये लो पोरस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। यू वेलकम। सब खत्म हो गया। अगर केस वापस नहीं लिया होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। अब ताकत नहीं मुझमें, मैं बुढ़ा हो गया हूँ। अगर आज मुझमें ताकत होती तो अपने हाथों से उनके टुकड़े टुकड़े करके अपने मगरमच्छों के सामने उनको डाल देता। मगरमच्छ ने चबा डालते। मम्मी के हाथ में देकर जाते हैं। नहीं मैथिली, इनकी मदद करने का एक मौका मिला, बस इतना काफी है। अगर इन्हें बता दिया तो बात फैल जाएगी और वो गलत होगा। चलो।